जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ धारी जय गोपी जन वल्लभ धारी यशो दानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशो दानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातिरावन चरी यमुनातिरावनचरी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुञ्जबिहारी जय राधा माधव कुञ्जबिहारी जय राधा माधव कुञ्जबिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहं सब परिब्राजक चार अष्टोदक्ष श्री मद जीव इन ग्रीस श्री लभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराजिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन विपटी संस्थापका आचार्य श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परब्राजग चार्टोद्रक्षमदि ग्रीस श्रीलभक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहु हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गौर भक्त श्रीवाशादिगौरभक्त की श्री श्री राधा कृष्ण गोप श्याम श्यामकुंड राधा कुंड श्री गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री पुरी धाम की मायापुर धाम की, की। जमुना माई की भक्ति देवी की कृष्ण भक्ति प्रदाय श्रीमती तुलसी महारानी की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रील प्रभुपा ट्रांस एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की ताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिपोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिपोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिपोटीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान सेनाजनशलाकया चुर् उन्मत तस्म श्रीगुरव नम नम ओं ओम कृष्ण प्रेष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिन इति नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभूनित्यानन्द श्रियद्वैतगदाधार श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद्भागवत पहला स्कंद स्क्रवाध्याय श्लोक क्रमांक सत्ताईस द पांडवाज रिटायर टाइमली टेक्स्ट ट्वेंटी सेवन देश काल अर्थ युक्तानि हृथ ताप उपशमानि हरंती हरंती स्मरतस् गोविंद अभिहितानि मे देशकालार्थयुक्तानि हृताप उपशमानि च हरंती स्मरतस् चित्तं

फिर ताप उपशमा च हरंति गोविंदा भिता में

युक्तानि, इम्प्रेग्नेटेड विथ हृत, द हार्ट ताप, बर्निंग उपशमानी एक्सटिंग्विशिंग, च एंड हरती अट्रैक्टिंग स्मरतस, स्मरत बाय रिमेमिंग मैंड गोविंद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ प्लेजर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ प्लेजर अभितायी ट्रांसलेषन एंड पर्पोट बाईस डिवाइन ग्रेशियर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद Now I am attracted to those instructions imparted by me, imparted to me by the personality of Godhead Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. Purport. Herein Arjuna refers to the instruction of the Bhagavad Gita, which was imparted to him. By the Lord on the battlefield of Kurukshetra. The Lord left behind him the instructions of the Bhagavad Gita not for the benefit of Arjuna alone but also for all time and in all lands. The Bhagavad Gita, being spoken by the Supreme Personality of Godhead, is the essence of all Vedic wisdom. It is nicely presented by the Lord Himself for all. Who have very little time to go through the vast Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, and Vedanta Sutras? It is put within the study of the great historical epic Mahabharata, which was especially prepared for the less intelligent class, namely the women, the laborers, and those who are worthless descendants of the Brahmanas, Kshatriyas. And the higher sections of the Vaishyas. The problem which arose in the heart of Arjuna on the battlefield of Kurukshetra was solved by the teachings of the Bhagavad Gita. Again, after the departure of the Lord from the vision of the earthly people, when Arjuna was face to face with being vanquished in his acquired power and prominence, he wanted again to remember the great teachings of the Bhagavad Gita. Just to teach all concerned that the Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of great entanglements which may embarrass one in some critical hour. It's a long purport, but I'll just. So, so welcome to all the devotees who have come from. वाराणसी एन प्रयागराज हरे कृष्णा वेलकम टू गोवर्धन इको विलेज तो आप लोगों का कल निमंत्रण आया तो मुझे क्लास देना ही पड़ा तो एक गीता का कॉपी भी वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिना ये न में तेजो देव विस्मापनम महत् ये श्लोक उस समय अर्जुन सुनाते हैं जब श्री कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के पश्चात गमन करते हैं अर्जुन द्वारका की रानियों को लेकर जब ब्रज के आसपास आते हैं तो कुछ सामान्य ग्वाल बाल उनके ऊपर आक्रमण कर उनको पराजित कर देते हैं अर्जुन के मन में बड़ा विषाद उत्पन्न होता है कि मैं इतना शक्तिशाली धनुर्धर और ये सामान्य लोगों ने मुझे किस तरह पराजित किया और मैं श्री कृष्ण के रानियों का संरक्षण भी नहीं कर पाया जिस व्यक्ति को अपनी सेवा करने में बड़ा गर्व होता है और उसमें निपुण होता है और कभी उस सेवा करने में असमर्थ नहीं रहा तो किंचित कदाचित जब इस तरह की कुछ परिस्थिति आती है तो उसके मन में फिर प्रश्न उठने लगता है हु एम आई मैं कौन हूँ क्योंकि कभी कभी लगने लगता है कि ये सेवा और मैं अभिन्न है हम ही ये हैं और जब भगवान अपने योजना से हमारी इच्छाओं को पराजित करते हैं और फिर हम वो सेवा नहीं कर पाते तब तो सोचने लगते हैं कि भाई अब तक ये सेवा कौन कर रहा था तो इसलिए भगवान के सामने अर्जुन नम्र होकर कहते वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा अब तक भगवान श्री हरि श्री कृष्ण को अपने बंधु के रूप में मैंने पाया मेरी कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं थी ये भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा थी मुझ पर कि उन्होंने मुझे अपना सखा के रूप में स्वीकार किया बंधु रूपिना वो मेरे बंधु थे सुहृद थे ये न में तेजो हाँ धनुर्विद्या में अद्वितीय अप्रमेय अभूतपूर्व तेज जो मैंने प्रकट किया जिस तेज को देखकर देवता देवतागण भी मुझे निमंत्रण देते थे कि आकर देव लोकों में हम लोगों की भी सहायता करो हम लोगों का भी संरक्षण करो क्योंकि यहां पर हम लोगों का असुरों से संरक्षण करने के लिए इतने शक्तिशाली और निपुण स्किल्ड मैन पावर नहीं है तो उस समय भी एच वीजा चलता था तो अर्जुन को बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट पर बुला लिया जाता था और अर्जुन पूरे विश्व विख्यात थे और कहा जाता है कि जब वो अपना गांडी से बाण चलाते थे तो केवल बाण के टंकार को सुनकर बड़े बड़े योद्धा कांप जाते थे घुटने टेक देते थे तो अर्जुन जब युद्ध करते तो सबसे पहले अपने गांडियों के जो धागा थी उसको जोर से खींचकर जब छोड़ते थे उस ध्वनि से ही 20-25 प्रतिशत भाग जाते थे तो अर्जुन के धनुर्विद्या की शक्ति का ये एक प्रभाव था उसके बाद फिर जब बाण लगाते थे अपने धनुष पर तो फिर और 10-20 परसेंट भाग जाते थे बाण छूट जाता था फिर कहीं भागते थे तो उस तरह एक दृष्टि से अर्जुन कम लोग को ही मारते थे <laughs> क्योंकि कोई बचते ही नहीं थे तो कभी किसी ने स्वप्न में सोचा नहीं होगा कि इतने शक्तिशाली अर्जुन वो भी सामान्य कोई ग्वाल बालों के द्वारा पराजित हो सकते हैं और उन ग्वाल वालों के पास किस तरह का धनुष था वो जंगल से उठाए हुए लकड़ी को लेकर अपने हाथ से बांध दिए थे और जंगल के लकड़ी को ही लेकर वो बाण भी चला रहे थे और उसके सामने अर्जुन का बिल्कुल ब्रांडेड धनुष है कि नहीं क्या हो गया हाँ, वो ट्रांसलेशन कराओ तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि भाई भगवान ने इस तरह की योजना क्यों की ये न में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत कि मेरे तेज के प्रभाव से हमारे इस क्षत्रिय बल तेज के प्रभाव से देव विस्मापनम महत बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते थे बट जो अर्जुन यहां कह रहे हैं अपहृतम वो तेज अब अपहरण कर लिया गया है हरिणा बंधु रूपिणा श्री कृष्ण ने वो तेज कुछ समय के लिए मुझे दिया था उस तेज का प्रभाव उनके धर्म के संरक्षण के लिए मुझे प्रयोग करना था अब उसके पश्चात अब वो तेज मुझसे ले लिया गया है तो प्रभुपाद लिखते हैं एंडाउमेंट एंड विड्रॉल ऑफ पावर्स हैपन बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्ण कोई शक्तियां हमें देते हैं और फिर वो शक्तियां खींच लेते हैं वो उनकी कृपा है भगवान की सेवा को पूर्ण करने के लिए भगवान कभी कभी कोई शक्ति हमें दे देंगे लेकिन कभी किसी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी अपनी शक्तियां हैं उन शक्तियों पर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए मधुक्लिवं च माधवी के कर्म शुभा शुभे भक्ता नाम कर्मणाम चैव सूदनम मधुसूदन भगवान का एक नाम क्या है मधु मधुसूदन क्या नाम है मधुसूदन शब्द का अर्थ क्या है मधु शब्द से आता है मधु अर्थात हनी हनी का स्वाद कैसा होता है मीठा की कड़वा मीठा मीठा के बहुत मीठा, बहुत मीठा। बहुत। अब जब मधु को आप चाटने लगोगे पर तो खैर आयुर्वेदिक दवा के लिए थोड़ा बहुत एक आध चम्मच ले लेते हैं लेकिन बाय चांस बड़ी मात्रा में अगर मधु को ले लिया तो उससे नशा भी पैदा होता है प्रयास मत करना ऐसा यहां पर वर्णन है कि मधु के दो प्रभाव होते हैं एक मीठा और दूसरा मादक नशीला तो इसलिए मधु की तुलना की गई है किससे अहंकार से ईगो ईगो या अहंकार के भी ये दो प्रभाव होते हैं मीठा ईगो मीठा मिठाए कि नहीं कोई स्तुति करता तो कैसा लगता है प्रभु ये सेवा तो आप ही कर सकते हो पर आप बोले नहीं 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 नहीं। लेकिन अंदर सोच रहे हा हाँ हाँ हा सत्य वचन सत्य वचन सही पहचाना इसने कम से कम कोई तो पहचाना जल्दी रिकॉर्डिंग करवाओ इसका प्रभुपाद जी कहीं प्रोग्राम में जा रहे थे तो एक माता जी उनके लिए कुछ समोसे बना रही थी तो प्रभुपाद जाकर किचन में वो समोसे खाने लगे तो एक दो तीन समोसे खाए तो माता जी को लगा शायद प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा मेरा कुकिंग उसने प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद हु इज योर फेवरेट कुक प्रभुपाद ने कहा मी माइसल तो कभी ये न सोचे कि हमने कुछ सेवा कर ली तो हम बहुत बड़े धुरंधर हो गए तो ये अहंकार की विशेषता ही है कि भगवान ने हर अहंकार रूपी सॉफ्टवेयर बनाया है ये एक सॉफ्टवेयर है उन्होंने तैयार किया है और अंदर ऐसा फिट किया है कि उसको अपन नहीं निकाल सकते जिन्होंने फिट किया वही निकाल सकते क्योंकि हर जीव को भगवत धाम में इच्छा जब होती है कि मुझे अपना ही ब्रह्मांड चाहिए जहां मैं स्वामी रहूं मैं उस ब्रह्मांड का केंद्र बनूं, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो विषय वस्तु दिखे वो मेरे भोग के साधन हो आई एम द कंट्रोलर आई एम द प्रोपराइटर आई एम द एंजॉयर ऐसा उसे लगे ब्रह्मांड का हर कण कण मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मंडरा ऐसा उसके मन में जब विचार होता है तो भगवान सोचते हैं इतने ब्रह्मांड कैसे पैदा करें जीव तो अनंत है इतने ब्रह्मांड पैदा करना मतलब बहुत कठिन है तो क्योंकि ब्रह्मांड पैदा तो करेंगे लेकिन उसमें दूसरे कौन होंगे वो अकेला भी भटकेगा तो पागल हो जाएगा आदेश जब करे उठो तो सामने कोई तो होना चाहिए जो उठने के लिए <laughs> तो इसलिए एक साथ करोड़ों जीवों के अंदर जब इस तरह का भाव उत्पन्न होता है कि मैं स्वतंत्र रूप से ब्रह्मांड का स्वामी बनूं तो भगवान ऐसा करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जिसको कहते हैं अहंकार और उस ईगो को फिट कर देते हैं अंदर जैसे वो फिट होता है और वो अहंकार का जैसे चश्मा लगाता है वो जो कुछ देखता है उसको लगता है ये सब मेरी सेवा के लिए है कह नहीं रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं जो कुछ वो विषय वस्तु देखता है उसे लगता है ये मेरे भोग के लिए है जो भी संबंध स्थापित करता है उसे लगता है इस संबंध में मैं दूसरे व्यक्ति को ऐसा नियंत्रण करूंगा ऐसा नियंत्रण करूंगा कि वह पशु की तरह छटपट आए तो अर्जुन जब कहते हैं कृष्ण को गीता के आरंभ के कि मैं अहिंसावादी हूं मैं युद्ध भूमि छोड़कर मंडलू लेके भिक्षा मांगूंगा कृष्ण ने कहा अरे भाई क्या हिंसा की बड़ी बड़ी बातें करता है जब दो लोगों के बीच में संबंध स्थापित होता है हिंसा वहीं से शुरू क्योंकि वो संबंध बनाते बनाते ही व्यक्ति निरंतर योजना बनाता रहता है कैसे इस संबंध में इस रिलेशनशिप में दूसरे को मैं कंट्रोल करूं और अपनी उंगलियों पर नचाऊं कठपुतली की तरह टिंग 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 तो वो संबंध बनाने के पहले ही जो अभिप्राय होता है वो कंट्रोल का होता है और जहां कंट्रोल की भावना आ गई हिंसा की आधारशिला वही है हिंसा की आधारशिला वही है यत्र सर्ग दुर्वैरा सहासन मृगादय मित्राणि इव अजिता वासा ध्रुतरोत्तर्षकादिक भागवत में ब्रजभूमि वृंदावन का परिचय दिया गया है ब्रजभूमि वो तल है जहां कोई हिंसा नहीं केवल सेवा ब्रज में कोई कृष्ण को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहा कृष्ण की इच्छा पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं यत्र नैसर्ग नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से दुर्वैराह जहां एक दूसरे के प्रति कोई वैर की भावना नहीं सहासन साथ में रहते हैं नृ मृग आदय मनुष्य भी पशु भी पक्षी भी सब एकत्रित प्रेम भाव में प्रेमालाप करते हुए अनुराग का आदान प्रदान करते हुए निवास करते हैं उस स्थान को कहते हैं ब्रज भूमि द्रुत रुत्तर्षक आदिकम और इसलिए क्षुधा प्यास निद्रा हर प्रकार के शारीरिक आवश्यकताओं पर विजय प्राप्त कर लिया है वो तल है ब्रज ब्रज भूमि तो इसलिए अर्जुन ने जब कहा कि मैं भिक्षा मांगूंगा कमंडलू लेके कृष्ण ने कहा अर्जुन तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का स्वभाव ही होता है कोई अन्याय देखे या अपमान देखे तो क्रोध से तिल मिलाकर आक्रमण करे युद्ध में तत्पर हो जाए युद्ध में टूट पड़े तो भिक्षा मांगते हुए कमंडलू लेके घूमेगा कल किसी से भिक्षा मांगेगा और वो तेरा अपमान करेगा बोला भाग यहां से भिक्षा इतना क्रोध आएगा कमंडलू उसके सर पे मारकर उसकी हत्या करेगा भिक्षुकों के नाम को बदनाम कर देगा और तुम्हारे मर्डर चलते बाकी भिक्षुक बेचारे खाली हाथ लौटेंगे क्योंकि सामाजिक बहिष्कार उनका हो जाएगा इसलिए तू क्षत्रिय है इति क्षत्रिय तू युद्ध कर कई बार लोगों को लगता है कई लोग लोग आके कहते हैं प्रभु आजकल मैं गीता पढ़ने लगा बड़ी वैराग्य की भावना आ रही है ऐसा सोचता हूं सब कुछ छोड़ दू शांति से बैठू जिसके अंदर युद्ध करने की ललक है वो तो मौका ढूंढ ढूंढ कर युद्ध करेगा तो कृष्ण ने कहा अर्जुन को तेरे से पॉसिबल नहीं है रग रग में तेरे अंदर युद्ध लिखा हुआ है मेरे एक अच्छे मित्र हैं भक्त जो काफी एक 20-25 साल से मैं उनको देख रहा हूं बहुत ही जो है कहीं पर भी कुछ युद्ध का सिलसिला हो उतर जाते हैं क्योंकि नॉर्मली तिलक लगाने के बाद लोगों की अपेक्षा होती है कि बिल्कुल शांत मुद्रा में हो लेकिन वो अन्याय का हमेशा सामना करते हैं युद्ध करते हैं जो भी करते हैं मैं उनको कहता हूं तुम्हारी सेवाएं ऐसी हैं जिसके बारे में हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो कुछ भक्त लोग बहुत डिस्टर्ब थे कि यार ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इसका रजोगुण बढ़ता जा रहा है थोड़ा इनको कुछ ठंडा कीजिए तो मैंने कहा देख एक यात्रा जा रही है गुरुकुल के बच्चों की वृंदावन से बद्रीनाथ जा रहे हैं बद्रीनाथ में बिल्कुल ठंडी बर्फ है दिमाग ठंडा हो जाएगा थोड़ा एक दस दिन यात्रा करके आया तो बोलो अच्छा ठीक है फिर मैंने कहा वहाँ पे बिल्कुल कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं केवल भागवत पढ़ने का पक्का भागवत लिए ट्रेन में बैठे पढ़ना शुरू किए मथुरा जंक्शन से ट्रेन निकल रही थी और वहाँ पर कुछ लोकल लोग घुसे और बच्चे लोगों को धमकाने लगे हटो सीट से हमको बैठना है वो बच्चा भागा भागा इनके पास आया प्रभु जी प्रभु जी कुछ अंकल लोग आ गए हैं धमका रहे हैं बोले धमका रहे हैं सुना तो इसके अंदर धमाका लग गया भा बंद किया आया जो भी इस तरह की करतूत कर रहे थे उनको दो चार झापड़ लगाया कॉलर से पकड़ के घसीट के रेलवे पुलिस पास के पास लेके गया पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराया ट्रेन निकल रही थी तो चेन पुलिंग किया पूरा मामला निपटाने के बाद फिर पुलिस पुलिस का सब आश्वासन लेकर फिर अंदर आके बैठा सांस ली ट्रेन चलने लगी उसने फोन लगाया मुझे प्रभु आपके आदेश अनुसार भागवत लेके ही बैठा था लेकिन सेवा ढूंढते हुए आ गई मुझे <laughs> क्या करें इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा बेटा अर्जुन तू तो क्षत्रिय है लड़ाकू है लड़ता ही रहेगा इसलिए मेरे लिए सही समय पर नहीं लड़ेगा तो और किसी चीज के लिए लड़ोगे है कि नहीं तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा आप युद्ध करो और उस युद्ध में अर्जुन ने ऐसा पराक्रम प्रदर्शित किया कि लगभग कौरवों के ग्यारह औक्षणी सेना समाप्त हो गई तो अर्जुन कह रहे हैं यह तभी संभव हो पाया क्योंकि श्री कृष्ण की क्षमता और शक्ति मेरे माध्यम से चल रही थी कृष्णा एम्पावर्स अ डिवोटी देन दैट डिवोटी कैन डू सम सेवा अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल तो इसलिए गीता का जब महोत्सव हम लोग कर रहे हैं भगवद गीता महोत्सव गीता जयंती तो इस गीता महोत्सव में हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते तो एक बार मैं लंदन में कई वर्ष पूर्व 2007-2008 में गीता जयंती के लिए गया था तो गीता जयंती के एक दो दिन पहले कुछ दूसरा प्रोग्राम कुछ नए नए बिजनेसमैन लोगों के लिए रखा था बहुत व्यस्त बिजनेसमैन लोग थे वो लोग आए और बोले कि प्रभु ये परसों के दिन 700 सौ श्लोक गीता का भी पाठ होने वाला है भक्ति वेदांत मैनर में और उसके ऊपर आप टिप्पणी देने वाले वो हर्ष जो है अध्याय के ऊपर लेकिन ये गीता का साइज देखकर हम लोग कंपित हो जाते हैं बहुत घमासान लगता है ये इतना विशाल किताब कैसे पढ़ेंगे हम लोग तो मैंने कहा अरे भाई प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस तो आपको जीवन में दिशा चाहिए तो बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा बोले नहीं हमारा बुक्स में इंटरेस्टेड इंटरेस्ट है ये बुक में नहीं चेक बुक में है तो मन उसमें आविष्ट रहता है तो इसमें मन नहीं लग पाता तो इसलिए आप हमको कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि हर रोज हम गीता के कवर को देखकर ही कुछ समझ लें और गीता खोलना ही ना पड़े हम लोग जब घूमते हैं तो बिल्कुल एक से बढ़कर एक रिक्वेस्ट मिलते हैं हमको तो उनका क्या रिक्वेस्ट था कि गीता बिना खोले केवल कवर को देखकर मैं समझ जाऊं कि गीता का मर्म क्या है तो उस समय मैंने लेक्चर दिया था लेसन फ्रॉम द कवर ऑफ द गीता केवल इसको देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर सवार हैं इसको देखकर आप क्या सीख सकते हो उसको लेके आठ लेसन निकाले थे पुराना है बहुत तो जैसे आजकल मैं देख रहा हूं कि कलयुग में लोग सोशल मीडिया पर पूरी तरह समाधि ग्रस्त हैं छठे अध्याय गीता में जो जो श्लोक है शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यम आसन मसनम बिल्कुल स्थिर होकर आंखें आधे बंद करके नासिका के अग्रभाव पर ध्यान देते हुए किस तरह समाधि स्थित योगी होते हैं वैसे हाथ में स्मार्टफोन लेके इंस्टाग्राम पे आदमी होता है आजकल कलयुग में बिल्कुल ध्यान मग्न सारे गोस्वामियों के लक्षण दिखाते हैं भोजन का परित्याग जल का परित्याग निद्रा भंग निद्रा हार, विहार विहारि विजित हाँ एक यूथ मुझे सुबह मिला मंगल आरती में साढ़े चार बजे बोले यार बड़ी जल्दी आ गया बोले सोया ही नहीं <laughs> क्या कर रहा था अरे रात भर हम YouTube ही देख रहे थे Instagram ही देख रहे थे तो इसलिए कलयुग में भी लोगों का मन इतना विचलित हो रहा है कि चिंता का विषय है तो गीता के एक कवर को देखकर सबसे पहला जो पहली शिक्षा वो है अर्जुन की अनन्यता। अनन्य चेता सततम नित्यश सुलभ पार्थ नि श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मेरी भक्ति करो मेरा भजन करो तो कैसे अनन्य चेता आपकी चेतना में अन्य कोई भावना नहीं होनी चाहिए अन अन्य कृष्ण को ही सर्वोपरि मानकर अपनी सारी इच्छाओं को श्री कृष्ण में ही केंद्रित करें अनन्य चेता सततम देह भ्रताम इयान अर्थो अर्थ भियम शुचम जब अक्रूर जी आते हैं ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को ब्रजरज में अंकित देखकर गदगद हो उठते हैं शुद्ध भक्ति के सारे लक्षण उनके भीतर परिलक्षित होते हुए उस रथ से छलांग मारकर ब्रजरज में लोटते हुए उस ब्रजरज से अपने संपूर्ण देह को अभिषिक्त करते हुए अकस्मात अपने मुखारविंद से इस श्लोक को व्यक्त करते हैं देह भ्रतान अर्थो अर्थ होदम्भम भियम शुचम संदेशात यो हरे लिंग दर्शन आदि भी हे कृष्ण हे कृष्ण आपके चरण चिन्हों को देखकर मैं गदगद हो उठा क्योंकि कोटि कोटि जन्मों से ये जीव विभिन्न प्रकार के देह धारण करता हुआ चौरे से लाख योनिवा भ्रमण करते हुए अंत तो गत्वा भगवान की किसी योजनावश अपने कर्मानुसार मानव जीवन प्राप्त करता है दुर्लभो मानवो देहो दे क्षण भंगुर तत्र दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम मानव जीवन दुर्लभ है उससे दुर्लभ लंबा जीवन उससे दुर्लभ स्वस्थ जीवन उससे दुर्लभ वैष्णव सत्संग में रत जीवन तत्रापि दुर्लभम मन वैकुंठ प्रिय दर्शनम वैकुंठ प्रिय वैष्णव जनों का सत्संग सबसे दुर्लभ है सबसे दुर्लभ है ऐसा सत्संग मन तुमार तुम आर इगमन परम दयालु तुम्हें पतित पावन श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हुए कहते हैं आप हमारा उद्धार करने यहां प्रकट हुए हो आप परम दयालु हो पतितों के पावन हो वेद निष्ठा मध्य अर्धेक वेद मुखे माने वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म न ही गोने। तो पतित कौन है जो जानता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए फिर भी वो कर बैठते हैं वो पतित हैं। उनके अंतरात्मा उनको चिल्ला चिल्ला कर घोषणा कर रही है ऐसा मत करो सिगरेट मत पियो दारू मत पियो व्याचार मत करो ये मत करो धोखा मत दो लेकिन फिर भी वो अपने विवेक शक्ति पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इसे कहते हैं हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और फिर हम माया के अधीन गलत काम कर बैठते हैं फिर पश्चाताप करते हैं इसलिए यहां पर कहा गया है परम दयालु तुम्हें पतित पावन पतित कौन है जानता है नहीं करना चाहिए फिर भी वो कर बैठता है और कभी कभी ऐसा पाप करके वो रैशनलाइज भी करता है उसके पीछे कुछ कारण भी बताएगा ऐसा हमने इसलिए किया इसलिए किया इसलिए वो करना ही था क्या करें? रैशनलाइजेशन इज द यूज ऑफ इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ फॉल्स ईगो यूज ऑफ इंटेलिजेंस इन सर्विस ऑफ फॉल्स ईगो इज रैशनलाइजेशन एक सत्संग में मैं कीर्तन कर रहा था तो सामने बैठे एक सज्जन कीर्तन में ताली ही नहीं बजा रहे थे मैं बार बार उनको ललकार रहा था ताली बजाओ ताली बजाओ बाकी सब ताली बजा रहे थे ये बिल्कुल ऐसे उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहा था तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रसाद के बाद मैंने देखा कोने में खड़े होकर वो अपने हथेली में तंबाकू लिए जोर जोर से ताली बजा रहा था तो मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ यार कीर्तन में तो बज ही नहीं रहा था और इतनी तो जोर जोर से मैंने कहा अरे प्रभु आप तो बैठे हुए थे कीर्तन में आपके हाथ ताली नहीं बज रही थी अब हथेली में तंबाकू आया तो जोर से बजने लगा वो कहते हैं प्रभु ये तंबाकू ने संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी पागल क्या बोल रहे हो बचपन में मेरे नाना जी मुझे कथा सुनाते थे राम की और तब हनुमान जी जब वो लेके आए पर्वत तो बोला वो जब मेरे को कथा के बीच बीच में ब्रेक लेकर वो भी ऐसा खाते थे तो मैं पूछा नाना ये क्या है तो बोले हनुमान जी जो लेके आए ना लक्ष्मण को सूंघाया यही है वो बूटी इसी को सूंघ कर लक्ष्मण झटका खाया तो मैंने कहा इंद्र तृप्ति तो इंद्र तृप्ति ऊपर से फिलॉसफी भी तो यहां पर पतित बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कलयुग में एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी पैंडेमिक जो चल रही है वो है हृदय दौर्बल्यम मन पहले ही दुर्बल है कलयुग में ऊपर से उसी मन के ऊपर अनाप शनाप क्या क्या डेटा फीड करते रहते हैं दिन रात बैठकर इंटरनेट मानव का मित्र से अधिक शत्रु बन गया है तो इसलिए जब हृदय बिल्कुल कमजोर हो जाता है दुर्बल हो जाता है तो केवल किताब पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होगा स्तंभयमात्म आत्मा नम जावत सत्पम यदाश्रुतम न शशाक मनोमदन वेपितुम अजामिल ने केवल अपने नेत्रों की कनखियों से दृश्य देखा कि एक सुंदर युवती का आलिंगन कर रहा था कोई पुरुष वन के झाड़ियों के बीच केवल एक बार उस दृश्य को देखकर कामदेव ने ऐसा बाण चलाया कि अजामिल ने भूतपूर्व अपने जितना भी शास्त्र अभ्यास अध्ययन किया था गुरुजनों से उसका स्मरण करने का प्रयत्न किया उन सब श्लोकों को याद करने लगे जिससे वो अपनी विवेक शक्ति को संभाल पाए लेकिन जैसे भयंकर बबंडर कदली वृक्ष को आंदोलित कर पटक देता है धरती पर उसी प्रकार उस काम वासना के बबंडर ने अजामिल की विवेक शक्ति को वहीं पर समाप्त कर दी टाइटेनिक जहाज की तरह उसकी विवेक शक्ति डूब गई भागवत मैंने कहा मैं जोड़ रहा हूं टाइटेनिक मनो मदन वे पी तुम मदन जब किसी के मन को आंदोलित करता है तो पूछो मत इसलिए मदन को पराजित करने के लिए एक ही अस्त्र है कौन मदन मोहन कुलाधि देवता मोरे मदन मोहन जारसे वक रघुनाथ रूप सनातन हमारे कुलदेव हैं मदन मोहन उनके साथ जुड़े रहे ना नहीं तो मदन आएंगे प्रस्ताव देने वैलेंटींस डे देन पे और फिर पकड़े जाओगे तो इसलिए यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसका वर्णन आया है वो है संग जब तक संग नहीं मिलेगा तब तक हृदय दौर्बल्यम से मुक्त नहीं होंगे आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हम नहीं जुटा पाएंगे और इसलिए अर्जुन जो अपने अक्रूर जी जो कह रहे हैं मैं जब यहां पर कृष्ण के चरण कमलों को देख रहा हूं देह भ्रतान यान अर्थो हित्वा दंभम भियम शुचम जहां भी कृष्ण का कोई चिन्ह परिलक्षित हो कृष्ण का नाम कृष्ण का रूप कृष्ण के गुण कृष्ण का विग्रह जो भी यहां प्रकट हो जैसे ही वो प्रकट हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए उसका संग लाभ लेना चाहिए और वैष्णव सत्संग वो माध्यम है जो निरंतर कृष्ण के नाम गुण रूप लीला इत्यादि को हमारे सामने प्रकट करता रहता है सत्संग का ये अर्थ होता है तो इसलिए हितवा दंभम, दंभ को छोड़कर भयम भय को छोड़कर शोक को छोड़कर लज्जा को छोड़कर लज्जा शून्य होकर निर्लज होकर वैष्णव सत्संग में श्री कृष्ण के संग को लूटना चाहिए यह ना सोचें मिथ्याभिमान वश कीर्तन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे नाम जप करेंगे तो लोग क्या करेंगे कथा में बैठूंगा और कथा श्रोताओं के बीच मेरा फोटो अगर कोई देखे तो क्या कहेगा रथयात्रा में रास्ते में कैसे नाचूं? रास्ते में जाकर मैं कैसे किताब बेचूं? भगवत गीता हा? मैं गीता बांट रहा था लोकल ट्रेन में बंबई में तो एक व्यक्ति मुझे पूछता है ये गीता बेचने का बिजनेस अच्छा है आपका कितना कमा लेते हो मैंने कहा भाई मैं आईआईटी से हूँ और फिर ये मैं सेवा के रूप में कर रहा हूँ हो आईआईटी क्यों आईआईटी के बाद ये कर रहे हो मैंने कहा हाँ, क्योंकि तो हम चाहते हैं कि लोग भी समझें जो कोई भी ज्ञान उन्होंने लिया है वो उनको असली समय पर काम नहीं आएगा क्योंकि जितना भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं कोचेस हैं लाइफ कोच हैं, बिजनेस कोच हैं। कलयुग में आपके जनरेशन का हर व्यक्ति तो लाइफ कोच ही बनना चाहता है लाइफ शुरू नहीं हुई और लाइफ कोच बनने शिष्य तो आजकल किसी को बनना ही नहीं है सबको गुरु ही बनना है तो ये सब मृत्यु तक का ज्ञान देंगे कि आज से लेके मृत्यु तक कैसे कमाओ कैसे जीवन में आगे बढ़ो कैसे बिजनेस बढ़ाओ कैसे फैमिली को पालो ये सब तक ठीक है सीमित लेकिन अगर पूछो मृत्यु क्या है और मृत्यु के आगे का जीवन क्या उसकी योजना कौन बनाएगा तो वो उत्तर किसी के पास नहीं है उसमें गीता पढ़ने वाले स्पिरिचुअल लोगों का फुल मोनोपोली है क्योंकि ये बात केवल ही लोग समझते हैं और हमें लोग विचार भी करते हैं कि मृत्यु के आगे करना क्या है अधिकांश लोग को बोलो मृत्यु बोले बस भाई और बोलोगे तो मर जाऊंगा अभी तो बड़ी मुश्किल से जी रहा हूं और कहा तुम तो मृत्यु की प्लानिंग और मृत्यु के आगे वो सब आप अपना वो करते रहो प्लानिंग मेरे लिए भी आप ही प्लान कर लो तो इसलिए ये जो योजना है कि भाई हमें आगे करना क्या है ये भगवत गीता के अंतर्गत दिया गया है तो ये शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये सब नहीं आता तो इसलिए वो जब लड़के को मैंने कहा कि भाई मैं ये लोगों को ज्ञान देना चाह रहा हूं स्टूडेंट को और कई लोगों को तो फिर मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो आप आपको मैं सत्संग में जोड़ना चाहता हूं तो वो कहता मैं पूना रहता हूं मैंने कहा पूना में भी मेरा मित्र है राधेश्याम प्रभु तो वो कहता है, वो कौन है मैंने कहा वो भी मेरा आईटी के क्लासमेट है तो बोले अब क्या करते है? वो भी मेरे समान ऐसे ही घूम रहे तो वो मुझे देख के बोलते हैं कि भाई मैं फिल्म मेकर हूं अभी एक मैं नया फिल्म बना रहा हूं वॉट ऑल स्टूडेंट्स डू टू एंटर आई आई टी उसके ऊपर मेरा डॉक्यूमेंट्री बन रहा है लेकिन आपको मिलने के बाद सोच रहा हूं एक और फिल्म बनाऊंगा वॉट ऑल पीपल डू आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम आई आई टी है कि नहीं तो इसलिए कभी कभी लोग घबरा भी जाते हैं हम लोग से जुड़ने एक स्टूडेंट को प्रसाद दे रहा था बोलता नहीं लूंगा नहीं लूंगा मैंने कहा क्यों नहीं लूंगा डर लगता है लूंगा मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाए तो प्रभुपाद को पूछा कि आप लोग मंदिर क्यों बनाते हो जिससे सबको भर्ती करो प्रभुपाद ने कहा नहीं मंदिर में जगह कहा है सबके लिए हम लोग मंदिर इसलिए नहीं चला रहे जिससे सबको भर्ती कर सके हम मंदिर चला रहे हैं जिससे मंदिर आकर दर्शन करके आप मंदिर के निवासी भक्त जिस तरह श्री कृष्ण की सेवा पूजा कर रहे हैं उसको देखकर शिक्षा लेकर प्रेरणा प्राप्त करके आप अपने घर को मंदिर बनाएं तो घर को मंदिर बनाना हो तो केवल आपको तीन बातें करनी है केवल तीन ही बातें करनी है यहां पर कई नए नए लोग आए हैं फैमिलीज आए हैं तो आप लोग जाने तीन बातें क्या हैं? सबसे पहले आपको अपने भोजन में परिवर्तन लाना है क्योंकि कई बार लोग कहेंगे मुझे घर को तो मंदिर बनाना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा भजन वजन करने का ठीक है भजन का टाइम नहीं है भोजन का तो टाइम है तो इसलिए भोजन शाकाहारी हो सात्विक हो सात्विक का अर्थ क्या होता है जिसमें कोई रजोगुण और तमोगुण के पदार्थ न हो तो इसलिए जो ऑनियन है वो रजोगुण में है और लहसुन ऑनियन गार्लिक दोनों रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत है सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाए और फिर पूरा परिवार प्रसाद का सेवन करे इससे क्या होगी आहार शुद्ध हो सत्वशुद्धि सत्वशुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृति लंबे भोजन से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी सत्व सत्वगुण प्रकट होगा ध्रुव स्मृति, स्मरण शक्ति जागृत होगी और तब जाकर आप मुक्ति के मार्ग पर स्थित हो पाओगे दूसरा आपको अपने घर पर ये तो हो गया कृष्ण प्रसाद दूसरा कृष्ण कथा घर घर गीता ये भी एक कैंपेन चल रहा है का घर 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 गीता गीता हर घर में गीता हो एक बार मैं बुक स्टॉल पे खड़ा था दिसंबर मैराथन में कोई व्यक्ति आकर पूछते हैं ये गीता अपन घर में रख सकते हैं क्या मैंने कहा फिर क्या गार्डन में रखोगे क्या कहते नहीं नहीं सुना है जिस घर में गीता रखो झगड़ा होता है मैंने कहा अभी आपके घर में गीता है बोला नहीं मैंने कहा झगड़ा होता है हाँ तो क्या फर्क पड़ रहा है रख के देखो ना सुधरेगा बोला हाँ गुड आइडिया अजीब अजीब लोग प्रश्न पूछते हैं गीता को देखकर एक आदमी आकर मेरे पीछे लग गया ये गीता है मैंने कहा ओरिजिनल है मैंने कहा डुप्लीकेट लग रहा है क्या अच्छा पूरा है पूरा मतलब क्या आधा रखूंगा क्या कोई टमाटर या अनार है क्या, क्या? आधा देकर आधा कमाऊंगा मैं पूरा पूरा है ना सात श्लोक पूरा है ना कमाल है मैंने कहा आधा छोड़ो यार आधा श्लोक पढ़ लो बहुत हो गया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा तो घर घर में गीता रहे और हर लोग प्रतिदिन सारे परिवार के सदस्य मिलकर बैठकर गीता का पाठ करें उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि परिवार के लोगों को बहुत बड़ा कोई पंडित बनना हो केवल परिवार का एक सदस्य गीता के श्लोक और जो भी तात्पर्य है पढ़े बाकी सब श्रवण करे फिर एक घंटा पढ़िए और चर्चा कीजिए रामायण है भागवत है इन सब ग्रंथों का प्रतिदिन आप लोग अपने परिवार को इसमें आविष्ट कीजिए तो कृष्ण प्रसाद कृष्ण कथा और तीसरा कृष्ण नाम कृष्ण नाम प्रसाद से इंद्रियां शुद्ध होंगी भाग भगवत गीता के पाठ से बुद्धि शुद्ध होगी अब फिर मन को शुद्ध करना है मंत्र से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम कृष्ण नाम विष्ट मना सदा हरिदास और रोदित हुला स्त्री भाव प्रकाश ठाकुर हरिदास का मन कृष्ण के नाम में आविष्ट था इसलिए माया शक्ति उनको प्रभावित नहीं कर पाई चाहे माया कितने ही प्रकार से उनके सामने नृत्य करे प्रलोभन दे ललकारे लेकिन क्योंकि ठाकुर हरिदास का मन कृष्ण के नाम में आविष्ट था इसका अर्थ क्या है नाम लेते लेते वो नाम तो केवल एक प्रकटीकरण था उनके मानसिक भाव का एक गूंज उनके जिह से प्रकट हो रहा था और ठाकुर हरिदास के मन में क्या गूंज उठी थी मुझे सेवा दो मुझे सेवा दो मुझे सेवा दो मुझे अपनी सेवा में रत रखो हे कृष्ण हे राधे तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में इस बात का वर्णन है हाँ। कि जब ठाकुर हरिदास ने इस प्रकार अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया तो उनके बारे में यहां पर वर्णन आ रहा है अंतलीला के तीसरे अध्याय में कि ठाकुर हरिदास की शक्ति नाम उच्चारण से प्रकट हो रही थी और वो नाम उच्चारण के विषय में ठाकुर हरिदास इतने आश्वस्त थे कि माया देवी आई और उनको आकृष्ट करने का प्रयास की माया दासी प्रेम मागे इथे की विस्मय साधु कृपा नाम बिना प्रेम न की माया देवी ठाकुर हरिदास की दासी बनने के लिए लालायित हो गई माया दासी प्रेम मागे वो प्रेम मांगने लगी इथे की विस्मय इसमें कौन सी विस्मयजनक बात है ये कैसे संभव था साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मे अगर हृदय के अंदर प्रेम उत्पन्न करना हो कृष्ण प्रेम जागृत करना हो कृष्ण प्रेम की ज्वालामुखी को अपने हृदय के भीतर प्रकट करना हो तो सबसे पहले अनिवार्य आवश्यक न्यूनतम योग्यता साधु कृपा वैष्णवों का संतोष जब तक हम वैष्णवों को संतुष्ट नहीं करेंगे आगे के द्वार खुलेंगे ही नहीं और जब साधु की कृपा होगी साधु फिर सेवा के द्वार खोलेंगे साधु कृपा नाम बिना प्रेम न जन्मे सुशील सहिष्णु शांत वदान्य गंभीर मधुर बचन मधुर चेष्ट महाधीर सबार सम्मान करता करें सबार हित कौटिल्य मात्सर्य हिंसा न जाने तार चित श्री हरिदास पंडित के अंदर ये सारे सदगुण थे और इन सदगुणों को देखकर कविराज गोस्वामी कहते हैं वैष्णवेर गुण ग्राही न देखा दोष काय मन वाक्य को रे वैष्णव संतोष वैष्णवों का गुण देखो दोष न देखो काय मन वाक्य से वैष्णवों को संतुष्ट करो इसलिए हरिनाम कृष्ण नाम जिससे हम कृष्ण की सेवा की भिक्षा मांग रहे हैं कृष्ण कथा जहां गीता को केंद्र बनाकर भागवत को केंद्र बनाकर हम कथा श्रवण करते हैं परिवार के सभी सदस्य और कृष्ण प्रसाद जो जो भी घर में भोजन बने बिना प्याज और लहसुन के शाकाहारी भोजन और भगवान को भोग लगे अच्छे अन्न जय कृष्ण के कर भोजन जन्मे जन्मे शिरे धरो हर चरण अद्वैत आचार्य के घर पर जिस प्रकार वैभव के साथ उनके घर के कृष्ण के विग्रह की सेवा पूजा हो रही थी और भोग लगा था उसे देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अकस्मात व्यक्त किए अगर इस प्रकार भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किसी के घर में हो कि जो भी भोजन बने सर्वप्रथम श्री कृष्ण के भोग के लिए समर्पित हो अन्न जय कृष्णा के कराए भोजन जो जीवन में केवल कमाता है कृष्ण को खिलाने क्योंकि वो जानता है कृष्ण रसंसार नाचार जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार क्योंकि उसने कृष्ण का ही परिवार अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया है जो कमाता है कृष्ण को खिलाने और तब जाकर जब घर पे भोग लगे वो सोचता है कि मैंने अपना धर्म पूरा किया कृष्ण को खिलाया अच्छे अन्न जे कृष्णा के कोरा भोजन अगर ऐसे कृष्ण को कोई भोजन कराता है प्रतिदिन तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जन्मे जन्मे शिरे धरो तार चरण कहते जन्म जन्मांतर करे मैं ऐसे भक्त के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करता हूं उनके चरणों का पाद प्रक्षालन करूंगा और उस पाद प्रक्षालित जल को मस्तक पर धारण करूंगा केवल एक सरल विधि भोजन डायरेक्ट स्वयं न करते हुए पहले कृष्ण को खिलाओ बस और कुछ नहीं और कुछ नहीं करना और यही तो वृंदावन है अहो भाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप्रजोक मित्र परमान पूर्ण ब्रह्म सनातन जब श्री कृष्ण केंद्र हो और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सब तत्पर हो यही तो ब्रज का संसार है जाबत राय जाबत कार गृहम गृहम जावत तेजनाह ब्रज में कितने सन्यासी थे जब कृष्ण लीला कर रहे थे कितने ब्रह्मचारी थे कितने सन्यासी थे ब्रज में बताइए ब्रज में कोई ब्रह्मचारी सन्यासी आश्रम था क्या ब्रज में कौन थे सब गृहस्थ सब गृहस्थ थे गोपियां थी घर के कार्य कर रही थी लेकिन कृष्ण ने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया राग जब राग जो इच्छाएं अगर कृष्ण को समर्पित न करेंगे वो चोर बनकर हमारे मस्तिष्क को चुरा लेंगे हमारी चेतना को विवेक शक्ति को चुरा लेंगे कार गृहम गृह और अगर कृष्ण को घर का केंद्र न बनाकर कृष्ण की सेवा पूजा में परिवार के सदस्य न लगो तो आपका वो घर घर नहीं कारा ग्रह बन गया कार ग्रह का अर्थ ये नहीं उस घर जहां पे कार खड़ी हो कार ग्रह अर्थात जेल तावत मोहंगरी निगड़ो और उस घर के भीतर अगर व्यक्ति को लगे मैं ही इस घर का स्वामी हूं मैं ही यहां पर श्रेष्ठ हूं तो उसके उसे कहते हैं मोह के जंजीर मोह की श्रृंखलाएं बेड़ियों की तरह उनके चरणों को पकड़कर जकड़ कर रखती हैं ब्रज में यही तो अंतर था ब्रज में सभी ग्रस्त थे सभी अपने दैनिक कृत्य कर रहे थे लेकिन कृष्ण के लिए तो इसलिए जो कुछ करना हो कृष्ण के लिए कीजिए इसी को कहते हैं अनन्य चेता सततम सरस्वती ठाकुर के पास एक स्कूल मास्टर आए वहां के गांव के और कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए तो सरस्वती ठाकुर ने कहा नाम करते बोले हाँ तो सरस्वती ठाकुर ने कहा ठीक है दीक्षा देंगे आपकी बहुत लंबी सी जो दाढ़ी है उसको आप थोड़ा निकाल दीजिए फिर देखते हैं आपका वैराग्य कितना है मैं थोड़ा टेस्ट करना चाहता हूँ तो नहीं नहीं ये तो ये तो नहीं निकलेगा ये तो मेरी आइडेंटिटी है उनका ठीक है चले गए स्कूल मास्टर एक हफ्ते बाद कहीं साइकिल पे जा रहे थे साइकिल से गिरे और साइकिल के पहिए में दाढ़ी अटक गई चारों तरफ से लोग घेर लिए और बोले अब निकालना हो तो दाढ़ी काटनी पड़ेगी तो बोले अब क्या करें लगता है कृष्ण की यही योजना है तो कभी कभी हम लोग अपने इच्छा के अनुसार सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे कृष्ण के लिए इतना समय दे दिया तो हमारी योजनाओं के लिए समय कहां बचेगा नहीं कृष्ण ने अर्जुन को गीता युद्ध के पहले सुनाई या युद्ध के बाद अरे युद्ध तो इतना इंपॉर्टेंट टास्क है इतना बड़ा प्रोजेक्ट सामने खड़ा हुआ था युद्ध का युद्ध के पहले सुनाने में एक घंटा चला गया टाइम वेस्ट नहीं हुआ कि नहीं टाइम पास हुआ कि नहीं लोग कहते हैं समय नहीं है हमारे पास समय नहीं है तो प्रभुपाद लिखते हैं हाउ गीता हेल्प्स एट वॉट टाइम्स वी शुड कंसल्ट द गीता एट क्रिटिकल टाइम्स वी शुड कंसल्ट द गीता वन वेन द एक्वायर्ड पावर एंड प्रोमिनेंस इज वैंक्विस्ट प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं पावर शक्ति प्रोमिनेंस, सत्ता अगर वो चली जाए तब व्यक्ति परेशान हो जाता है उस समय दूसरा सोलार फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ मेंटल एगनीज मानसिक पीड़ाओं से आप मुक्त हो सकते हो यह गीता के ज्ञान को प्राप्त करके तीसरा एम्बेरसमेंट ऑफ ग्रेट एंटेंगलमेंट इन क्रिटिकल अवर कभी कभी अचानक ऐसी कुछ भयंकर भीषण आसक्तियां अजगर की तरह हमारे रूपी चेतना को यूं जकड़ लेती हैं और हमारे मृग रूपी चेतना की हड्डियों को इस तरह चटनी बनाने लगती हैं कि लगता है कि क्या होगा कभी भी किसी भी समय काम क्रोध लोभ का प्रभाव पड़ सकता है तो इसलिए एम्बेरसमेंट ऑफ ग्रेट एंटेंगलमेंट इन क्रिटिकल आवर है नहीं? एक हमारे ब्रह्मचारी किताब वितरण कर रहे थे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पर तो काफी लोग एकत्रित हो गए और किसी ने उनसे बड़ा उद्दंडता पूर्वक प्रश्न पूछा क्यों भाई कितने महात्माओं को जन्म दिया है आपने इतने समय से गीता बांट रहे हो कितने महात्मा पैदा किए तुमने तो बोला मैं तो ब्रह्मचारी हूं पैदा नहीं करता लेकिन इस गीता को पढ़कर पूरे विश्व भर में लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है पिछले पचपन वर्षों में इसकोन ने पचपन करोड़ भगवत गीता वितरित कर 120 रेस्टोरेंट और फार्म कम्युनिटी और साढ़े सात मंदिर तैयार किए हैं तो ये चेतना में परिवर्तन आवश्यक है और उसके ऊपर आज भारत भर में सारे कैंपस कॉलेजेस को लेकर दस हजार युवा आपके जैसे दस हजार युवा माला कर रहे हैं चार नियम पालन कर रहे हैं न्यू ईयर का समय आ रहा है पार्टी मनाने के बैठ बजाय बैठ के कथा सुन रहे हैं ये कौन सी पार्टी में आ गए आप लोग ये इटरनल पार्टी है क्योंकि बाकी पार्टी का स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम होता है हम लोगों की पार्टी हर रोज चलती है सुबह साढ़े चार बजे से साल में लोग एक दिन नाचते हैं थर्टी फर्स्ट को हम लोग तो साढ़े चार को ही स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मन नहीं भरा तो शाम की भी आरती है किसी ने रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा स्वामी जी आपका मैंने लाइफ देखा कीर्तन करते हो भजन करते हो ये करते हो वो करते हो आप लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हो प्रभुपाद ने कहा हमारी पूरी दिनचर्या ही मनोरंजन है किसी ने प्रभुपाद को पूछा स्वामी जी अगर मालूम पड़ा मृत्यु के समय बाई चांस मृत्यु के समय मालूम पड़ा कृष्णा है ही नहीं तो आपको थोड़ा रिग्रेट नहीं होगा कि जीवन मैंने किसके लिए दे दिया जो है ही नहीं मतलब लास्ट मोमेंट पे मालूम पड़ा मरने वाले ऐसे बस मृत्यु आ ही गई और मालूम पड़ा नो कृष्णा तो प्रभुपाद ने कहा देखो भाई अगर कृष्णा नहीं है तो भी हम लोगों का बड़ा अच्छा संगीतमय कीर्तन चला बढ़िया बढ़िया कीर्तन के साथ हम कितने अच्छे अच्छे सुंदर कथाओं में लगे रहे स्वादिष्ट प्रसाद अच्छे अच्छे धाम में घूम घूम कर कितने नदियों में स्नान किया कितने अच्छे अच्छे लोगों के साथ आदान प्रदान किया एटलीस्ट वी हैड अ गुड टाइम इवन इफ देर इज नो कृष्ण फिर प्रभुपाद ने उसको देखकर कहा बट बाई चांस इफ देर इज कृष्णा वॉट विल यू डू तो कई बार लोग अनाप शनाप प्रश्न पूछते रहते हैं फिर एक रिपोर्टर ने पूछा स्वामी जी आपके पीछे इतने विदेशी भक्त देख रहे हैं सबका हेयर स्टाइल यू है सैफरन है ये सब पहन वो लोगों को लगता था बेडशीट है धोती तो जानते नहीं वेस्ट में इतने सारे युवा बेडशीट पहन के घूम रहे हैं आपके पीछे और तिलक समझते नहीं उनको लगता है वॉर पेंट है माथे पे पेंट लगा के घूम रहे हैं बेडशीट लगा के घूम रहे हैं और आपका ये फैलता जा रहा है आपका ये प्रभाव फैलता जा रहा है फैलते फैलते पूरी दुनिया अगर ऐसी हो गई तो क्या होगा तो प्रभुपाद ने कहा चिंता मत कर तेरे जैसे कई बेवकूफ होंगे जो कभी नहीं आएंगे लोग हमेशा यही एक आर्ग्यूमेंट देते सब आपके जैसे हो गए तो मैंने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते से मैं कोई बोलता है क्या सब इंजीनियर हो गए तो क्या होगा सब डॉक्टर हो गए तो क्या होगा एक दूसरे का ऑपरेशन करेंगे क्या सब चार्टर्ड अकाउंट बन गए तो खुद का ही अकाउंट देखना पड़ेगा फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो जो विविधता है वो तो अनिवार्य है तो इसलिए यहां पर एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया है गोविंद अभितानी में देश कालार्थ युक्तानी हृत ताप उपशमानी च हरंती प्रसभम अर्जुन के चित्त को हर लिया श्री कृष्ण के शब्दों ने गोविंद अभितानी में गोविंद के शब्द तो प्रभुपाद गोविंद का क्या अनुवाद किया वर्ड टू वर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ प्लेजर गोविंद अभितानी अर्थात गोविंद के शब्दों में एक सुख है अर्थात विष को क्या काटता है अमृत विषाद को क्या काटेगा भगवत विषय जो मन में विषाद दुख पैदा होता है उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है शब्द तो इसलिए भागवत में बारं बारंबार जब कोई महापुरुष किसी विषादग्रस्त परिस्थिति में रहे उनको उस विषाद के महासागर से बचाने के लिए विभिन्न संत प्रकट होकर केवल कृष्ण कथा सुनाए कृष्ण कथा के माध्यम से उनका उद्धार हुआ इसलिए अर्जुन याद कर रहे हैं नाम्यानुदारुचि स्मित शोभिता हे पार्थ हे अर्जुन सखे कु नंद नेति संजलिता नर देवृदि स्पृशा स्मर तुर्लुठती हृदय मम अर्जुन कृष्ण बोलते थे हे सखे हे यादव तो अर्जुन याद कर रहे हैं उदार रुचिर स्मित शोभितानी कृष्ण का मंद मंद मुस्कान कृष्ण के मीठे मीठे वचन अमृत तुल्य वाक्य कृष्ण का संबोधन स्नेहमयी संबोधन इन सभी बातों को याद कर रहे हैं जिनके प्रति प्रेम होता है उनके हर भाव के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और तब अर्जुन याद कर रहे थे हे हे कृष्ण हे यादव हे पार्थ हे सखे संजल्पितानी नरदेव वृद्धि स्प्रेशानी और ये चर्चा करते हुए मेरे हृदय को आपने स्पर्श कर लिया लुठंती मेरी चेतना लुट गई हृदय मम माधवस्य हे माधव हे माधव ऐश्वर्यशाली सौभाग्यवती लक्ष्मी वक्षो विलासिनी जिनके चरण कमलों को निरंतर वाहन सम्मान करती हैं उनके पति माधव हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून अब भाग्य का उदय करने वाले मूर्तिमान स्वरूप हो अचानक अंतर्धान होकर गोलोक गमन करके बिना सूचना दिए आप मेरा संग त्याग करके मुझे एक ऐसे विरह के सागर में निमग्न करके चले गए मैं परेशान हूं कि अब मैं क्या करूं शून्ययितम महागोष्ठम गिरीन्द्रो अजगरायते ते व्याग्रतुंडा कुंडम जीव तूरहित्य रूप और सनातन गोस्वामी के अंतर्धान होने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी परेशान होकर कह रहे हैं ये क्या ब्रज में हूं लेकिन बिना रूप और सनातन के संग के महागोष्टम बारावन शून्य प्राय लग रहे हैं गिरिंद्रो अजगर गिरिराज जी एक अजगर की भांति विकराल मुख खोले हुए प्रतीत हो रहे हैं यते कुंडम राधा कुंड एक विशाल शेर ने अपना मुख खोला हुआ निगलने के भांति मुझे लग रहे हैं जीवतु रहित बिना वैष्णव सत्संग के सब कुछ शून्य प्राय लगता है क्योंकि वैष्णव कृष्ण का स्मरण कराते हैं तो यहां पर तो अर्जुन को कृष्ण का डायरेक्ट संग मिला तो सोचिए अर्जुन के हृदय में कितनी बड़ी पीड़ा थी कितनी बड़ी वेदना का अनुभव कर रहे थे कि कृष्ण का ही संग अचानक समाप्त हो गया सुख के आनंद के दिव्यता के माधुर्य के मूर्तिमान स्वरूप जो सर से नख तक ज्ञान घन चिदघन आनंद घन स्वरूप हैं जिनके हर वाणी में हर भाव में हर आदान प्रदान में केवल अमृत छलकता है वो श्री कृष्ण अचानक अपनी लीला बंद कर दिए तो सोचिए अर्जुन की क्या अवस्था थी तदवै धनुस्त इशव सरथो सोहम रति नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीश रिक्तं भस्मं हुतं कुहकराधमिवोक्तमुष्यम् गोविंद सो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ प्लेजर हे गोविंद आपके भाव में आपके संग लाभ न प्राप्त होने के कारण हे गोविंद हम इस विरह में हैं हम गोविंद के विरह में हैं अर्जुन कह रहे हैं गोविंद अभितानी में जिनके संग में सुख मिल रहा था अब वो सुख मिलना बंद हो गया तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं ये वही गांडीव धारी अर्जुन ये वही गांडीव ये वही रथ ये वही सारे जितने भी घोड़े हैं ये वही तरकस वही बाण सब वही तद वही धनुस्त ईश स रथो हयस्ते सोहम रथी नृपतो यत आनमंती बड़े बड़े राजागण नरेशगण आकर मेरे सामने नतमस्तक होते थे केवल मेरे गांडीव को देखकर केवल मेरा नाम सुनकर पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो मैंने अपने धनुर्विद्या के बल पर आतंक मचाया था सर्वम क्षण न तद अभूत असद अब ये संसार ईशरिक्त हो गया श्री कृष्ण के संग से मैं वंचित हो गया ये सारी शक्तियां इस वेग से मेरे शरीर के अंदर से निकलती जा रही हैं जिस प्रकार गंगा मैया हिमालय से वेगवती सरिता समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं उस तीव्र गति से ये सारी क्षमताएं सारी शक्तियां सब कुछ मुझसे निकल रही हैं अब मैं सब क्षमताओं से रिक्त हो गया भस्मम होतम जैसे किसी यज्ञ में अगर यज्ञ के अग्नि में डालो तो फल मिलेगा भस्म में डालो थोड़ी मिलेगा कुहकर अगर पैसा कमाना हो तो आपने देखा होगा जादू के समय भी मैजिक शो में भी कभी कभी टोपी के अंदर से पैसा निकालते पहले टोपी दिखाते हैं खाली है फिर जादूगर अंदर हाथ डालते हैं पांच सौ का नोट निकालेगा अगर आपको लगेगा यही कमाने का तरीका है तो दीवाला निकल जाएगा और किसी बंजर धरती पर अगर हम बीजा रोपण करें तो थोड़ी वहां पर कुछ प्रकट होगा तो अर्जुन परेशान है गोविंद अभिता में इसीलिए अर्जुन इस अवस्था में भी ये नहीं सोचते अब कृष्ण तो चले गए कृष्ण चले गए गीता उस समय सुनी थी अब कृष्ण नहीं है परेशान हूं क्या करूं थोड़ा दूसरा कुछ मोटिवेशनल सुन लेते हैं लगता है गीता का समय समाप्त हो गया क्योंकि अब कृष्ण नहीं बचे कृष्ण चले गए नहीं देश काल अर्थ युक्तानि, गोविंद अभिहितानि, अभितानी अर्थात शब्द अभिहितानी शब्द किसके शब्द गोविंद ऐसे शब्द जो मन के सारे रूपी पीड़ा को दूर कर आनंद रूपी अमृत देने की क्षमता रखते हो ऐसे शब्द हैं ये गोविंद चले गए लेकिन गोविंद अभितानी सनातन काल तक रहेंगे गोविंद के शब्द निरंतर गूंजते रहेंगे लेकिन केवल आपको पासवर्ड प्राप्त करना है वाईफाई तो है लेकिन वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं क्या हा? कल कलयुग में लोगों का जिंदगी बिना वाइफ के चल जाता है वाईफाई के नहीं वाईफाई से कनेक्शन मतलब सबको पता है यहां पे चेक इन करते समय भी भोजन का नहीं पूछते वाईफाई का पासवर्ड पहले बताओ जान अटकी हुई है वहां तो गोविंद अभिता नहीं गोविंद के शब्द तो हैं लेकिन गोविंद के शब्दों से जुड़ने की क्षमता कब मिलेगी जब आपकी चेतना अनुकूल होगी सत्संग छाड़ी असत्य बिलास ते करने लागे लो ये कर्म बंध फास जैसे ही सत्संग छूटेगा तुरंत ये सारे विषय आपका पीछा करने लगेंगे असत में विलास करने का स्वाद बढ़ेगा असते विलास और कर्म बंधन में फंसते चलोगे विषज विषम विष सततु गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु विषय विषम विष सतत खाइनु और लगता है कि बस ये विष हम खाते रहे विषय भोग करते रहे गौर कीर्तन में मन नहीं लगेगा तो इसलिए देश काल अर्थयुक्ता ये शब्द कैसे हैं आपको लगेगा पांच हजार साल पहले कृष्ण ने सुनाया अब कहा अपना स्मार्टफोन आईफोन ये फोन का सब जमाना है ऐसे हाईटेक जमाने में ये प्राचीन शब्द कैसे काम आएंगे हमारे अर्वाचीन समस्याओं का समाधान करने में इतने प्राचीन शब्द कैसे समर्थ हो सकते हैं देश काल अर्थ युक्तानी। देश काल और अर्थ के अनुसार ये यथाम प्रपद्यंते भगवान उन शब्दों को उन शब्दों के अर्थ को प्रकट करेंगे प्राचीन अर्वाचीन क्या शरीर का मॉडल थोड़ी बदला है पांच हजार साल पहले क्या था जन्म था कि नहीं मृत्यु था कि नहीं बीमारी थी कि नहीं और जरा थी कि नहीं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब तो है ही कुछ नहीं बदला समझ रहे ना इन सब विभिन्न समस्याओं को रिपोर्ट करने के साधन बदल गए पहले दर्द होता था तो आदमी अकेले कमरे में चिल्लाता था आ अभी वो व्हाट्सएप पे डाल देता है मुझे बहुत दर्द पीड़ा हो रही है और मैं चिल्ला रहा हूं आ और उसका दोस्त सामने से ऐसे ऐसे करता है मैं आपके साथ हूं मैं आपके साथ हूं पीड़ा दूर नहीं हुई पीड़ा दूर नहीं हुई तो इसलिए देश काल अर्थ युक्तानि हृत ताप उपशमानी च हृदय के अंदर के ताप को जो उपशमन करे इसीलिए ये भगवत गीता तो ये गीता के कवर का पहला लेसन है ब्रेकफास्ट <laughs> किया है बैठो बैठो <laughs> क्लास सुनने की मांग की ना <laughs> क्या हो गया अपना ट्रांसलेटर थक गया ट्रांसलेशन ही बंद कर दिया अच्छा अच्छा वो बोले हर भाषा समझ लेते वो बोले <laughs> देश काल अर्थ युक्ता नहीं लेक्चर होते होते अचानक उनको समझने भी समझ में आने लगा दूसरा कृष्ण का भक्त वात्सल्य इसको देखकर क्या समझ रहे हैं कृष्ण का भक्त वात्सल्य आपको लगेगा अरे कृष्ण तो हाथ में घोड़ों को हाकर हा भक्त्यमा ज्ञात्वा विषदे तद अनंतरम है कि नहीं तो इसलिए भगवान भक्त वत्सल हैं वत्सल का अर्थ क्या होता है वत्स अर्थात वक्षस्थल वत्स वक्षस्थल और अर्थ होता है लाती अर्थात जब कोई बहुत ही बहुमूल्य वस्तु होती है उसे हम अपने वक्षस्थल के निकट लाकर रखते हैं ये एक संरक्षण का प्रतीक है प्रेम के उद्गार का प्रतीक है तो इसके वत्स लाती वक्षस्थल के निकट लाकर संभाल के रखना तो उसको कहते हैं वत्सल तो भक्त वत्सल अर्थात कृष्ण अपने भक्त को अपने वक्षस्थल के निकट सुरक्षित रखते हैं इसलिए भक्त हमेशा निश्चिंत रहे तो इसलिए दामोदर लीला में क्या कहते हैं अंत में एवं संदर्शितांग हरिणा भृत्यवश्यता ये दिखाने के लिए कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश में आ जाते हैं इसलिए उन्होंने ये लीला की ज्ञानीनाम चात्म भूता भक्तिमता भक्ति की महिमा प्रकट करने के लिए उन्होंने ये लीला रचाई है कि नहीं तो भगवान अपने भक्तों के वश भक्तों के भक्ति के वशीभूत आ जाते हैं कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं सारथी बन जाते हैं भक्त के इच्छा के अनुसार है कि नहीं तो सनातन धर्म का अर्थ होता है क्या कृष्ण सनातन है जीव सनातन है गोलोक वृंदावन सनातन है और सेवा सनातन है ये चार बातें सनातन है क्या चार बातें पहला सनातन कौन है कृष्ण दूसरे जीव तीसरे गोलोक वृंदावन कृष्ण का धाम और चौथे सेवा तो धाम काम नाम सब सनातन है और इसलिए अर्जुन का सनातन धर्म किस तरह जागृत करें इसको लेकर ये गीता भगवान सुनाते हैं क्योंकि अर्जुन अपने तात्कालिक धर्म क्षत्रिय धर्म में कुछ डगमगा गए स्वभाव क्षत्रिय का था स्वधर्म क्षत्रिय का था लेकिन फिर भी जिस परिस्थिति के परिवेश में अर्जुन सामने खड़े थे उनका चित्त भटकने लगा इसलिए यहां पर वर्णन किया गया है कि अगर सनातन धाम में प्रवेश करना हो तो दो बातें करनी चाहिए चैंट कंसिस्टेंटली एंड करटेल योर क्रिटिसिज्म निरंतर नाम जप कीजिए और आलोचना वैष्णव निंदा से बचिए भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धोरे महाशक्ति नवविदा भक्ति भजन में महत्वपूर्ण है तौर मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरअपराध नाम लोले पाए प्रेम धन और ये नाम संकीर्तन जो है इन सभी अंगों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है इसलिए पहले अध्याय में और अंतिम जो पहला संबोधन अर्जुन ने कृष्ण को कहा और लास्ट जो अर्जुन ने कृष्ण को संबोधन किया कृष्ण ने अर्जुन के अर्जुन ने कृष्ण को कई नाम से संबोधन किया क्या क्या नाम से संबोधन किया ऋषिकेश और मधुसूदन माधव केशव और अच्युत सेनयोर उभयोर मध्य रे अच्युत यावदेता वेताक्षे हम योद्धु काम अवस्थिता सहयोधव्यम अस्मिनुद में तो जब आए युद्ध के लिए अर्जुन मूड में थे लड़ने के है ना निरीक्षे हम योद्धु कामान युद्ध की कामना से कौन कौन आया है कौन सा हस किया है मेरे सामने युद्ध करने देखना चाहता हूं क्षत्रिय भाव पूरा फायर में था कि नहीं लेकिन उसके बाद जब अचानक भीष्म और द्रोण को देखा तब डगमगाने लगे और फिर कृष्ण ने गीता सुनाई और गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन क्या कहते हैं नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धवात्सा मैं अच्युत संदेह करिष्ये वचन तव फिर अच्युत अच्युत अर्थात वन हु नेवर फेल्स इन हाँ तो अच्युत के तीन अर्थ हैं पहला अर्थ वन हु नेवर फेल्स इन सर्विंग मतलब इसको सेवा दे दो तो गारंटी है ये सेवा समाप्त करके ही रहेगा बीच में गायब नहीं हो जाएगा बहाना नहीं बनाएगा सेवा करेगा पूरा लास्ट तक तो वैसी गारंटी कृष्ण की है अच्युत कृष्ण ने अगर बीड़ा उठा लिया मैं अपने भक्त की सेवा करूंगा तो अचानक अचानक गायब हो जाएंगे सेवा करते रहेंगे समझ रहे ना परमात्मा स्वरूप अंदर क्षण क्षण देख रहे हैं अचानक वो ऑफ ड्यूटी नहीं चले जाते अरे ये क्या हो गया अरे वो मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैं दूसरे भगत को देख रहा था हमेशा लगे रहते हैं सेवा में तो कृष्ण से ही प्रेरणा लेनी चाहिए है कि नहीं डीटी इंस्टॉल हो गए राधा वृंदावन बिहारी क्या है बैठे कि खड़े हैं बैठे हैं कि खड़े हैं? हैं और आप क्या हो सोचो खड़ा होकर अगर बोलो पूरा कथा सुनो पंद्रह बीस मिनट के बाद मुझे ही गाली देने लोग खड़ा करके रखा है खुद बैठा है भगवान बेचारे खड़े हैं और सनातन काल तक खड़े रहेंगे क्यों क्योंकि वो तत्पर हैं है कि नहीं सेव, सेवक का चिन्ह क्या होता है सेवा करने का उत्साह दिखना चाहिए छलकना चाहिए है कि नहीं इसलिए हॉस्पिटैलिटी में भी जैसे ही जाओ तो सब लोग तत्पर घूमते रहते हैं हाउ कैन आई सर्व यू हाउ कैन आई सर्व यू आप किसी के पास जाओ और लेटा हुआ है बोले हेलो हाँ क्या हो गया ये प्रसाद चाहिए अरे ले लो ऐसा थोड़ी है तत्पर यू आर इन मूड टू सर्व तो इसलिए नेवर फेल्स इन सर्विंग डिवोटी दूसरा नेवर फेल्स इन फॉर डिवोटी नेवर फेल्स इन फॉर हिज डिवोटी क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्रह्मी शौर्य था प्रभा क्षमयाशु भगवान तुष्चंते हरिश्वर क्षमा जो है भक्त का ही स्वभाव बनता है तो भगवान कितने क्षमाशील होंगे अहो अंतदास नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोपियन राजन मंगला से दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज को देखकर कहते हैं अरे आपके इस क्षमा भाव को देखकर समझ सकता हूं कि आप अनंत के दास हो भगवान के दास हो नहीं तो कोई क्षमा नहीं कर सकता फॉरगिवनेस इज द ब्लड ग्रुप ऑफ अ डिवोटी अगर क्षमा करने की क्षमता है कोई दिखाता है क्षमा करने की शक्ति कोई दिखाता है तब समझना चाहिए इसका जात वैष्णव वाला है इसका जो वैष्णव का गुण प्रकट हो गया है नेवर फेल्स इन फॉर गिविंग हिज डिवोटी एक भक्त प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद के पास बैठकर बोलने लगे कैसे चार नियम तोड़ रहे हैं वो कैसे कैसे इंद्र तृप्ति कर रहे हैं ये कर रहे हैं, कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं इतने सारे चीजें सुनाने लगे आसपास बैठे भक्त उठकर जाने लगे उनको लगा ज्यादा हम बैठ के सुनेंगे हमारी मति भ्रष्ट हो रही है हमको इंद्र तृप्ति के आइडियाज मिल रहे हैं वो उठ उठ कर जाने लगे लास्ट में केवल प्रभुपाद अकेले उस भक्त की पीड़ा सुन रहे हैं और एक तेजस प्रभु साथ में बैठे थे एक घंटा वो सब सुनाने के बाद बिलक बिलक कर रोने के बाद प्रभुपाद जी ने बड़े प्रेम से उनके मस्तक पर हस्त स्पर्श किया आशीर्वाद दिया और प्रभुपाद ने तेजस प्रभु की ओर मुड़कर कहा क्योंकि कब किसी भक्त के इंद्रिय निग्रह की असमर्थता को सुनकर कभी कभी मन में विचार होगा अरे ये नियम फॉलो नहीं कर पा रहा अरे ये पापी है हे पापी दूर रहो आपके आसपास आएंगे हम भी पापी हो जाएंगे प्रभुपाद ने क्या कहा देखकर जसी how this सोल is struggling फॉर कृष्णा ये प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण था प्रभुपाद ने यह नहीं देखा कि वो पापी है प्रभुपाद ने देखा विभिन्न प्रकार के इंद्रिय निग्रह के प्रयासों में असमर्थ होते हुए भी इनके मन में उस असमर्थता के कारण एक पश्चाताप की पीड़ा थी और वो पश्चाताप की पीड़ा इस बात का लक्षण था कि ये प्रामाणिक साधक हैं साधना करने के लिए लालायित हैं लेकिन वर्तमान और भूत के कई संस्कारों और कर्मों के कारण कुसंगों के कारण वो अभी अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पा रहे हैं तो उसका परिहास नहीं करना चाहिए उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे वो उसके अंदर वो क्षमता उत्पन्न हो कि वो निग्रह कर पाए तो इसलिए ये बड़ा सुंदर यहां पर यह वर्णन आया है जाति गो ब्राह्मण से संग अमर संगम रूप और सनातन भी कहते हैं व्यक्ति अगर पतन को प्राप्त करता है तो तीन कारण से जन्म के कारण संग के कारण कर्म के कारण और इसलिए हम लोग अपने आप को पतित मान रहे हैं जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण अधम पतित प्रभु अमिधुई जन हम तो जगाए और मधाई से भी कोटि कोटि गुण अधिक पतित हैं तो इसलिए जब कोई भक्त क्योंकि भक्त के जीवन में दो ही तो संपत्ति होती है और वो दो संपत्ति क्या है प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे ए तो मार उद्देश्य से सिद्ध हो छाड़ी आयला दूर देश अमार संगे रहिते चाह वांछा निज सुख तो दुई धाम आय अमार हो दुख प्रभु लागे धर्म कर्म छाड़े भक्तगण भक्त धर्म हानि प्रभु न होए सहन तो दूसरा हमने क्या कहा नेवर फेल्स इन फॉर गिविंग डिवोटी थर्ड नेवर फेल्स टू प्रोटेक्ट डिवोटीज प्रमिस अच्युत भक्त के व्रत को हमेशा संरक्षण देंगे कृष्णा सपोर्ट्स एंड हेल्प्स इज डिवोटी इन प्रोटेक्टिंग देयर वाउस तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके सनातन संगी गदाधर पंडित साथ में जा रहे हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते अरे आपने तो टोटा गोपीनाथ की सेवा की प्रतिज्ञा ली है व्रत लिया है और प्रतिज्ञा की कि मैं कभी श्री क्षेत्र को छोड़कर जाऊंगा नहीं प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी बे तुम्हार उदेश छोड़ के जाओगे तो भक्त का साधक भक्त का दो ही संपत्ति है एक सेवा दूसरा व्रत सर्विस एंड वाउज वाउज विच यू टेकन बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये ये हम करेंगे ये ये हम नहीं करेंगे अगर प्रतिज्ञा और सेवा वाउज एंड सर्विस इज लॉस्ट देन द डिबोटी प्रॉपर्टी इज लॉस्ट दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ अ डिबोटी एंड माया इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू स्टील सो हू विल प्रोटेक्ट एस कृष्ण दैट इज नोन एज अच्युता He will never fail in his promise to serve you, to protect your service and to protect your vow. कभी चूकेंगे नहीं आपकी सेवा में आपकी साधना में आपके व्रतों में आपको संरक्षण देने लेकिन आपको चाहिए कि आप उनसे प्रार्थना करो ये आवश्यक है इसलिए उसको कहते हैं भक्त वत्सल तो ये है दूसरा कृष्ण भक्त वत्सल के रूप में पहला क्या था अनन्यता। अर्जुन की अनन्यता, कृष्ण की भक्त वत्सलता तीसरा पांडवों की निर्मत्सरता रथ पे कौन है कृष्ण के साथ कौन है कौन से पांडव हैं जोर से बोलो दूसरे और कौन है पांडवों में रथ के कौन से कोने में दूसरे आपको दिख रहे हैं पांडव अरे देखो भाई ध्यान से देखो भीम दिख रहे कि नहीं युधिष्ठिर दिख रहे कि नहीं नकुल नहीं दिख रहे सहदेव नहीं दिख रहे ठीक है पास हो गए थे ही नहीं कृष्ण ने केवल किसका रथ चलाया अर्जुन का रथ चलाया पांडव कितने थे अगर पांडव पांच थे तो कृष्ण को क्या करना चाहिए था बताइए नॉर्मल अभी इसकोन में आप सेवा बांटोगे तो कैसे बांटोगे कृष्ण को केवल एक ही रथ पर सवार होकर चलाना था क्या बाकी भी भक्त ही थे ना शुद्ध भक्त ही थे पतित तो नहीं थे तो फिर युधिष्ठिर ने क्या गलती की थी केवल सत्य बोला था भीम ने क्या गलती की सीनियर कौन थे बड़े कौन थे युधिष्ठिर और भीम अर्जुन से बड़े थे कि छोटे तो कृष्ण का क्या उत्तरदायित्व बनता था हा अरे भाई अर्जुन जूनियर हैं जूनियर को हीरो बना दिया और सीनियर को जीरो ये ठीक है हा? मान लीजिए राधानाथ स्वामी आते हैं और आप में से एक को लेके जाते हैं अपने रूम में बोलते हैं मैं उसको दो घंटा गीता सिखाऊंगा आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी हाँ मान लीजिए आपको लेके जाते क्या नाम है आपका गोकुल।, गोकुल मान लीजिए बोलते हैं हम गोकुल को जो है गीता सिखाएंगे और अच्छा लगा तो दीक्षा भी दे देंगे और पहला दूसरा एक साथ दे देंगे ज्यादा मूड आए तो सन्यास भी दे देंगे <laughs> मान लो अगर ऐसा हो आपके बगल वाला अभी पहले ही टेंशन में दिख रहा है केवल ये प्रस्ताव सुन के ही इसका मुंह सूख गया प्रस्ताव सुन के ही ये बिल्कुल छटपटा रहा है ये क्या है ये आइडिया ही उसको गलत लगा और घड़ी देख रहा है कि टाइम टाइम हो गया लेक्चर बंद करने का तो इसलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत करोगे लेकिन जीवन भर कृष्ण बहुत परीक्षा लेंगे क्योंकि ये सेवा किसकी है आपकी कि कृष्ण की तो सेवक चूज करने का अधिकार किसका है आपका के कृष्ण का सेवा। हर सेवा में वो सेवक चयन करेंगे इस सेवा के लिए मैं इस व्यक्ति को शक्ति दूंगा कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन अगर कृष्ण ने डिसाइड किया हम इनको शक्ति देंगे तो आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी ये पांडवों की प्रतिक्रिया के आधार पर समझ लेना पांडव में से एक भी पांडव जाकर कृष्ण को अपना विरोध व्यक्त नहीं किए अपनी अप्रसन्नता व्यक्त नहीं किए अपना विषाद व्यक्त नहीं किए संदेह व्यक्त नहीं किए उनको इसमें कोई अन्याय नहीं दिख रहा था क्यों क्योंकि वो सब समर्पित भक्त थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कृष्ण के पास संपूर्ण अधिकार है अपनी इच्छा को कहीं पर भी किसी के प्रति व्यक्त करने का वो पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिशाली स्वराट हैं उनकी इच्छा के सामने हम झुकेंगे अगर कृष्ण ने इच्छा की कि हम अर्जुन के रथ पर बैठेंगे बाकी सभी पांडव उस इच्छा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो इसीलिए सफल की परिभाषा क्या है कृष्ण ने किसी सेवा में किसी भक्त को शक्ति दी उसे सफलता कहते हैं और उस भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए हम निमित्त हैं कृष्ण ने हमें चाहे मेरे कितने भी अयोग्यताएं और कमियां त्रुटियां क्यों ना हो यदा कदाचित इस सेवा में प्रयोग कर लिया है और कुछ नहीं युधिष्ठिर ने जाके कृष्ण को बोला नहीं ऐसा करते हैं थोड़ा अपन स्केड्यूल बना लेते हैं दो दिन आप पार्थ के सारथी बनो फिर दो दिन मेरे सारथी दो दिन भीमसेन के दो दिन नकुल दो दिन सहदेव फिर अर्जुन इस तरह एक स्केडूल बनेगा तो अच्छा लगेगा नहीं तो इतिहास में केवल अर्जुन का ही नाम पचपन करोड़ भगवत गीता जो हमने बांटे उसमें केवल अर्जुन ही अर्जुन ही अर्जुन छाए हुए हैं अर्जुन ही हीरो बने युधिष्ठिर का क्या हुआ तो सोचते अरे मैं तो भाई लोगों को पीटने के लिए फेमस बन गया भक्ति मैराथन है भाई लंबे समय तक गेम खेलना है तो कब कब क्या क्या देखना होगा तैयारी होनी चाहिए उसकी है कि नहीं तो इसलिए एक किसी लाइफ मेंबर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी गीता का प्रभुपाद ने उसको पूछा गीता का कंक्लूजन बताओ सबसे बेस्ट श्लोक क्या है वो बोलता है यथेच तथा कुरु कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना अर्जुन जो चाहिए वो करो प्रभुपाद ने कहा यही आपको लगा सबसे बेस्ट बोले और क्या नहीं उसके आगे वास्तव में 66 में बोल दिया अहम् अहम ताम मोक्ष लास्ट वर्ड क्या हो गया माशुच और पहले शब्द कृष्ण के गीता में क्या थे अशोच्यान अन्वशोचस्व प्रज्ञावादांश तो पहला शब्द शोक आखिरी शब्द श्लोक शोक तो गीता के सारे श्लोक जीवन के शोक दूर करने के लिए है और इसीलिए दूसरों की उन्नति को देखकर शोक में मत आना ये गीता के कवर से सीखो कवर पे तो अर्जुन दिख रहे हैं पार्श्वभूमि में दूसरे चार पांडव भटक रहे हैं लेकिन मायूस होकर फ्रस्ट्रेट होकर नहीं वो भी प्रसन्न हैं कि हमारे बीच में अर्जुन को चयन किया गया कृष्ण ने अपनी शक्ति अर्जुन को दी कृष्ण का कृष्ण की कृपा है अर्जुन का सौभाग्य है जो दूसरे वैष्णवों की उन्नति का उत्सव मनाए उसके लिए अपने आप गोलोक के मार्ग खुल जाते हैं गौरांगे रंगी गौणे नित्य सिद्ध कोरी माने से जाय ब्रजेंद्र सुतपा से जाय ब्रजेंद्र सुतपाश गौरा संगी गणे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों और संगियों को भी नित्य सिद्ध माने सेवा आपने की लेकिन आपके सेवा के वर्चस्व को देखकर सफलता को देखकर हम मनीमन प्रसन्न हो केवल मानसिक रूप से दूसरे भक्त की सफलता को देखकर प्रसन्न होने पर उस भक्त ने जो सफल सेवा के कारण जो पुण्य कमाया वो सारे पुण्य हमको ट्रांसफर हो जाते हैं पता था कि नहीं इतनी दबी हुई आवाज में हरी बोल क्यों बोल रहे हो <laughs> तो इसीलिए दूसरा भक्त अगर कुछ करे तो उसको देखकर क्या होना है प्रसन्न होना है लेकिन आपको सेवा मिले करना है वापस उसी को मत पकड़ा देना तू ही सफल बन ये प्रसन्न होने वाला फॉर्मूला इजी लग रहा है थोड़ी कसरत कम है पसीना कम बहाते हैं प्रसन्न होते होते भगवत धाम जाएंगे <laughs> तो इस प्रकार विभीषण तो इसलिए यहां पर कहा गया है नॉन एनवी डोंट एनवी द लॉर्ड और द डिवोटीज दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नॉन एनवी एंड सेकंड एक्सेप्ट द लॉर्ड्स प्लान भगवान और भक्त के प्रति द्वेष न करो और दूसरा भक्त की योजना को स्वीकार करो और यही अंतर था भरत और रावण में भरत के अंदर द्वेष की भावना नहीं जागृत हुई कि अरे लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहता है अपने को तो मिलता ही नहीं चांस और शत्रुघ्न ने कभी सोचा नहीं अरे कहाँ लगा दिया सेवा मेरा शत्रुघ्न अपने भरत के साथ लक्ष्मण का बढ़िया है राम के साथ घूमते जो सेवा मिले उसमें तल्लीन रहो रावण और भरत में अंतर क्या था रावण रामचंद्र जी के संपत्ति को हरण करने का प्रयास कर रहा था और भरत रामचंद्र जी के संपत्ति अयोध्या नगरी को लौटाने के प्रयास में था इसलिए भरत की चेतना होनी चाहिए रावण की चेतना नहीं आलोचना तो भरत की भी हुई लेकिन वो सेवारत थे तो इसलिए विभीषण अज्ञात सुकृति प्राप्त किए कैसे हनुमान जी को मारने का प्रयास जब रावण कर रहे थे तब विभीषण बोल पड़े दूध के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए इसलिए उनके अंदर अज्ञात सुकृति उत्पन्न हो गई इस तरह से तो एक हमारे स्कॉन के सन्यासी साउथ अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे उस देश में ड्रग माफिया बहुत तगड़ा था और वहां की पुलिस को शक था कि शायद ये लोग भी ऐसा ही कुछ करते होंगे लेकिन कभी प्रमाणित नहीं कर पाए तो वहां के एक पुलिस ऑफिसर ने सोचा हम इन भक्त लोगों को फंसाएंगे तो अपने हाथ में कुछ ड्रग्स लेके आए और उसने सोचा कि लेक्चर में बैठता हूं और जैसे ही लेक्चर खत्म होगा जाके वहां पर पास में रख दूंगा और फिर बाद में अपने दूसरे ऑफिसर आएंगे और वो ढूंढेंगे और पकड़ लेंगे कहेंगे ड्रग्स मिला ऐसे ड्रग्स लेके प्लांट करने के लिए रेडी था वो तब लेक्चर शुरू हुआ और अपने महाराज जी ने लेक्चर दिया लेक्चर दिया लेक्चर दिया लेक्चर के बाद कीर्तन हुआ लेक्चर और कीर्तन का इतना प्रभाव पड़ा कि वो लेक्चर और कीर्तन ही ड्रग्स की भांति उसको नशे में लेके आ गया और वो तुरंत उन महाराज जी के पास आकर प्रणाम करके सरेंडर करके बोलता है मैं आप लोगों को फंसाने के लिए आया था लेकिन आपके कथा और कीर्तन सुनकर मेरा चित्त परिवर्तित हो गया यह है अज्ञात सुकृति मठ इतने रफ्तार से बढ़ रहा था तो ब्रिटिश अफसरों को लगा कि यहां पर कुछ तो चल रहा है इतने लोग नौजवान लोग क्यों ज्वाइन हो रहे हैं उन्होंने तो अपना एक ऑफिसर को भेजा ऑफिसर सामान्य व्यक्ति के रूप में जाकर बैठा ब्रिटिश आदमी सरस्वती ठाकुर का लेक्चर सुना बड़ा प्रभावशाली लगा इंटरेस्ट आ गया।, गया था स्पाई करने लेकिन इतना अच्छा लगा इंग्लिश का लेक्चर उसको लगा कि मैं वापस एक बार आता हूं अपने ऑफिसर बॉस के पास गया बॉस ने पूछा क्या हुआ रिपोर्ट क्या है बोला अभी एक बार गया हूं और इन्फॉर्मेशन निकालना है मुझे कई बार जाने की अनुमति चाहिए तो बोला ठीक है ठीक है लेकिन अच्छा काम करना डिटेल में रिपोर्ट निकालना बोला हाँ हाँ डिटेल में निकालूंगा ऐसा करके वो रेगुलर अटेंड करने लगा एक महीना लेक्चर अटेंड करके इतना प्रभावित हो गया सरस्वती ठाकुर के सामने सरेंडर होकर गौड़ी मठ का इनिशियटिव डीओटी बन गया तो इसलिए हाउ डू यू अर्न सुकृति एंड अवॉइड एनवी अप्रिसिएशन ऑफ डिवोटीज पुल्स यू अप एंड अटैकिंग द डिवोटी पुशस यू डाउन सो ऑलवेज अप्रिशिएट डिवोटी एंड अवॉइड अटैकिंग द डिवोटीज इसको कहते हैं निर्मत्सरता निर्मत्सर अर्थात दो टू रिमेन कंप्लीटली फोकस्ड ऑन वंस भक्ति वंस ओन सेवा वंस ओन डिवोशनल सर्विस एंड नंबर टू नो नेगेटिविटी टुवर्ड्स अदर डिवोटीज अपने स्वयं की सेवा में पूरी तरह तल्लीन और दूसरे भक्तों के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं ये द्वेष पैदा ही होता है तब जब हम अपनी साधना में अपने स्वयं निजी भक्ति और अपने भक्ति की यात्रा में पूरी तरह मग्न नहीं होते लैक ऑफ absorption इन अवर ओन पर्सनल डिवोशनल प्रैक्टिस इज द बिगिनिंग ऑफ envy। है कि नहीं इसलिए निर्विकार हो रिदास गंभीर आशय बोलते लागी गिला तारे हो या हरिदास ठाकुर के अंदर कोई विकार नहीं पैदा कर पाया क्योंकि गंभीर आशय उनकी आशा गंभीर थी गहन थी ठीक है तो ये तीन हो गया अब चौथा ज्ञान क्या लेसन कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं धनुर्विद्या का ज्ञान नहीं इसलिए जीवन में युद्ध में विजय होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है धनुर्विद्या का ज्ञान तो पहले ही ले लिया था द्रोणाचार्य से बाबा तो आप जितना भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ लो वो सारा ज्ञान आपका रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत आवश्यक है आपको जीवन में भौतिक रूप से सफल बनाने के लिए अनिवार्य है लेकिन जब तक आप स्टार्ट करो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे हो सकता है आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही परिवर्तन होगा इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान तेहम स विज्ञान इदं बशेषत यदा नेहभ भूय ज्ञातव्यम अवशिष्य इस तरह से यह है चौथा फिर पांचवा कृष्ण किसकी सेवा कर रहे हैं अर्जुन की कैसे कर तो इसको कहते हैं सेवा भाव कृष्णास सर्विस एटीट्यूड है कि नहीं को कीर्ति को बोलना मैं आ रहा हूं सेवा भाव सर्विस एटीट्यूड तो दो प्रकार के सेवा होती है गुणगत सेवा गुणगत सेवा मतलब ये भक्त बड़े आकर्षक हैं इनकी सेवा करने के लिए प्रेरणा हो रही है

गुणगत सेवा अरे इनकी सेवा करो तो कुछ मिलेगा भी इस भावना से जिस सेवा को कहते हैं गुणगत सेवा लेकिन हमें सेवा करनी है स्वरूपगत सेवा क्या सर्व विदाउट एक्सपेक्टेशन वेदर द मास्टर इज इन फॉर्चून और नॉट स्वामी सौभाग्य में हो या दुर्भाग्य में हो उसकी सदगति हो दुर्गति हो सेवा लगे रहो जैसे शत्रुघ्न भरत की सेवा करते रहे हर परिस्थिति में तो इसलिए कृष्ण अपने भक्त को हर परिस्थिति में सेवा करते हैं यदर्चितम ब्रह्म भादि सुरिया चै मुनयाच सा गोचारयाना चरदन यद गोपिका नाम कुछ कृष्ण ने सेवा आरंभ की गोवत्सों की सेवा से कृष्ण ने लीला में सबसे पहले गायों की सेवा की गोवत्सों की सेवा की अंत में घोड़ों की सेवा की घोड़ों के ऊपर जब तीर लग जाते लहुलुहान हो जाते कृष्ण अपने सुंदर मुलायम अमृत तुल्य हस्त कमल से उसको स्पर्श करके उनकी पीड़ा दूर करते हैं। घोड़ों के लिए जल देना घोड़ों को मालिश करना यह है कृष्ण ये नहीं सोचा रहे गायों की सेवा करूं घोड़ों की सेवा करूं ऐसा थोड़ी सर्विस एटीट्यूड छटा कृष्ण का वैराग्य वैराग्य कृष्ण ने कोई हथियार उठाए नहीं युद्ध के विजय का श्रेय कृष्ण को मिला नहीं कृष्ण ने कहा ये श्रेय मैं तुमको दूंगा अर्जुन क्योंकि चाहे व्यक्ति कितना भी निपुण हो इतिहास में कितना भी सफल हो चाहे इतिहास में कितने ही शक्तिशाली सेवाएं की हो किसी न किसी समय उसे दूसरे भक्त को वो सेवा देनी ही पड़ती है और देनी ही चाहिए पूतना को मारा अगासुर बकासुर वगैरह को मारा वर्सस कुरुक्षेत्र कौन सा ज्यादा फेमस है इतिहास में पूतना वध या कौरव परिवार का वध लेकिन कृष्ण ने कहा जब मेगा ड्रामा होगा महाभारत का उसमें मैं केवल ड्राइवर बनूंगा तो इसलिए जीवन में सबसे कठिन तत्व क्या है फुल स्टॉप लगाना अपने कार्यों में विराम देना सबसे कठिन बात है और विशेष रूप से जब उस कार्य में आप सफल रहे हो उस कार्य में आपको प्रशंसा मिली हो उस कार्य और सेवा ने आपको वर्तमान में आप जो हो वो बनाया हो आपकी उससे आइडेंटिटी जुड़ जाती है उसको त्यागना बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को स्मरण कराना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं सेवक मेरी आइडेंटिटी है सेवा चलायमान है आज ये सेवा कल ये सेवा परसों ये सेवा परसों ये सेवा जो भी सेवा मिले सेवक का भाव बनाए रखूंगा सरस्वती ठाकुर दार्जिलिंग में आए उस समय दार्जिलिंग जो था कलकत्ता से भी आगे माना जाता था इंद्र तृप्ति के लिए सरस्वती ठाकुर ने कहा यहां पर हम मंदिर खोलेंगे और एक भक्त को रहना है बताओ कौन रहेगा अब सब भक्तों को लगा कि दार्जिलिंग दो चार दिन के लिए आए हैं कोई रहने के लिए रेडी नहीं था सब एक दूसरे को बोलने लगे आप करो आप आप करो तो सरस्वती ठाकुर ने देखा कि कोई सामने तैयार नहीं हो रहा तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कल सुबह उठकर जिसके ऊपर मेरी पहली दृष्टि पड़ेगी वो यहां दार्जिलिंग में इंचार्ज बनेगा अगले दिन कोई सब गायब हो गए सरस्वती ठाकुर घूम रहे हैं कोई दिखी नहीं रहा उनको दूर से सब देख रहे हैं कोई आ नहीं रहा है फिर पोस्टमैन आया और पोस्टमैन ने देखा सब खाली है बोले कहा है भाई तो सबने उसको साइड में बुलाया बोला भाई आज ऐसी चल, समस्या चल रही है जो सामने जाएगा फंसेगा फिर अंत में एक भक्त ने साहस किया और कहा कि चलो भाई सरस्वती ठाकुर ने इच्छा की है तो करना ही पड़ेगा और वो सामने आए तो इसलिए कभी कभी ऐसी सेवाएं मिलेंगी जिसमें आपको मूड नहीं है या आपने ऐसी कल्पना नहीं की हो लेकिन जब वो सेवा मिले गीता के कवर को याद कर लेना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या कर रहे हैं सारथी बनकर सेवा कर रहे हैं और अस्त्र को छोड़ दिए वैराग्य है कि नहीं सातवां मुक्ति देखो आगे कौन है कृष्ण के अर्जुन आगे कृष्ण पीछे तो जब सामने वाला कौरव कोई अर्जुन का बाण खा रहा हो तो मरते मरते पहले किसका दर्शन लेता है है ना क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पीछे से बाण छोड़ रहे हैं तो बाण कहां से निकल रहा है वो योद्धा को नहीं दिख रहा उसको केवल बाण आता हुआ दिख रहा है और बाण के पीछे बैकग्राउंड में कौन दिख रहे हैं कृष्ण अ जब बाण उस योद्धा को लगे और जोर से चीखते हुए अपना शरीर त्यागे किसका मुखमंडल का दर्शन करके वो त्याग रहा है शरीर तो ऐसे योद्धा को क्या मिलेगा मुक्ति तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविन्दम नेत्रैपि बंतो नयनाभिरामं पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य उद्धव जी स्मरण करते हुए कह रहे हैं य आहवे कृष्ण मुखारविन्दम तथैव चान्ये नरलोक वीरा जो वीर पुरुष जो बाण खाए पार्थास्त्र पूता पार्थ के अस्त्र से जो शुद्ध हुए पदमापुर सीधा ऊपर गए मुक्त हो गए क्योंकि मृत्यु के समय मरते मरते उन उनके मुख उनके स्मरण शक्ति में उनके मन के पट पर कृष्ण के मुखमंडल का दर्शन था और सोच रहे थे अर्जुन का बाण तो बड़ा तीखा था लेकिन अर्जुन का ड्राइवर बड़ा मीठा लग रहा है तो मरते मरते कृष्ण के मीठे मुखमंडल का कृष्ण के मुस्कान का स्मरण करते हुए देह त्यागे पदम हंतारी गतदायक कृष्ण के कितने गुण हैं चौसठ चौसठ गुणों में क्या है लीला प्रेमणा प्रयादिकम माधुर्यम वेणुरूप यो इति असाधारण प्रोक्तम गोविंद से चतुष्टयम लास्ट चार है लीला प्रेम ना माधुर्य वेणु रूप है। ये सब कृष्ण के वेणुवादन कृष्ण का रूप कृष्ण की लीला कृष्ण का माधुर्य सौंदर्य ये सब उनके चार एक्स्ट्रा विशेष हैं लेकिन उसके पहले आता है हंतारी गायक विष्णु भगवान के गुणों में क्या है जिनका वो हनन करे मुक्त कर देते हैं उनको आठवां पहुंच गए हम लोग आठवें तक पहुंच गए मेरी भी दूसरी सेवा है <laughs> सेवक परेशान होके आया <laughs> कि क्या हो गया भाई ये देखिए कौन है कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम अर्थात अर्जुन के अंदर कला की कोई कमी है निपुणता की कोई कमी है उनके सीवी में सफलता के अलावा दूसरा कुछ अंकित था क्या हा अर्जुन के क्षमता में सामर्थ्य में शक्तियों में कलाओं में कोई कमी नहीं थी जब व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार और निपुण होता है उसको लगता है किसी की क्या आवश्यकता अकेला ही झंडा गाड़ देंगे एक्सपर्टीज का पहला लक्षण होता है कि हमको लगता है कि इसमें मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए जब किसी फील्ड में आपको लगता है यह तो मैं अकेला ही कर लूंगा इसमें मुझे ना ये डिवोटी चाहिए ना वो डिवोटी चाहिए ना ये इंचार्ज चाहिए वो कोई नहीं चाहिए हम खुद कर लेंगे अर्थात इस बात का अभिमान होता है कि मैं इस सेवा में बहुत निपुण हूं लेकिन इतने निपुण अर्जुन ने अपने साथ किसको रखा कृष्ण को इसलिए हमेशा याद रखना चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, कृष्ण को ही अपना सारथी बनाकर चलना है इसलिए हम लोग हरे कृष्ण आंदोलन में सुबह चार बजे सेवा से आरंभ नहीं करते दिन साधना से दिन आरंभ करते हैं पहला तीन चार घंटा केवल हम लोग कीर्तन जप भजन आरती कथा कृष्ण 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 अर्थात अपने सेवा रूपी रथ में कृष्ण को बिठाने का काम तीन चार घंटा करने के बाद ही फिर हम लोग युद्ध आरंभ करते हैं समझ रहे ना यत्र योगेश्वर कृष्ण तो कभी कभी पीपल वॉन्ट कृष्णा इन डेथ और आफ्टर डेथ बट नॉट इन लाइफ कृष्णा को लोग बोलते हैं प्लीज डोंट ड्राइव माई चैरियट आई विल कॉल यू वेन देर इज एक्सीडेंट जब कुछ समस्या होगी तब बुला लेंगे रेगुलर बेसिस पे जरूरत है हम चला लेंगे नहीं कृष्ण को हर क्षण हर दिन हमें अपने जीवन में सम्मिलित करना है ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्तन यथा तमो इस प्रकार ये आठ हम लोग शिक्षा लेते हैं भगवत गीता के कवर से तो याद है सबको आठ कोई नोट्स देखेगा नहीं पहला बताओ क्या था अनन्यता कृष्ण किसकी अनन्यता अर्जुन की अनन्यता कि हर परिस्थिति में वो कृष्ण पे ही निर्भर दूसरा भक्तवत्सलता कृष्ण किसकी भक्तवत्सलता कृष्ण की जो भक्त को अपने हृदय के निकट लाकर वक्षस्थल के निकट लाकर सुरक्षित रखते हैं तीसरा पांडवों की निर्मत्सरता चाहे किसी को जो भी सेवा मिले वो सेवा में जो कुछ भी प्राप्त करे हम अपनी सेवा में संलग्न रहें दूसरों के साथ तुलना न करें कृष्ण अपनी इच्छा से अपनी स्वेच्छा से शक्ति देंगे अलग अलग भक्तों को अलग अलग समय पर देने दीजिए आज उनको दे रहे हैं तो कल हमको भी देंगे और नहीं भी दिया तो उनकी शक्ति प्राप्ति में अगर हमने आनंद सम्मिलित कर दिया वही लाभ हमको मिलेगा चौथा ज्ञान कृष्ण ने नहीं चौथा अच्युत अर्थात नेवर फेल्स इन सर्विंग हिज डिवोटीज हाँ चौथा ज्ञान चौथा कौन सा ज्ञान दिया भौतिक के आध्यात्मिक क्योंकि स्वभाव हो स्वधर्म हो लेकिन स्वरूप का ज्ञान नहीं तो जीवन के विभिन्न चुनौतियों के समय आप डगमगाओगे पांचवा सेवा भाव सेवा भाव का क्या अर्थ है किस तरह का सेवा भाव बताइए गुणगत सेवा और स्वरूपगत सेवा तो कैसी सेवा करनी चाहिए स्वरूपगत सेवा छठा वैराग्य कैसा वैराग्य कृष्ण ने अपने हाथ में हथियार नहीं उठाए योद्धा नहीं बने सारथी बने श्रेय किसको दिया सातवां मुक्ति जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सबको मुक्ति प्राप्त हो गई क्योंकि सामने बैठे थे कृष्ण और अर्जुन का बाण जब लगा तो कृष्ण का दर्शन करते हुए सब मरे कृष्ण ने उनको भेज दिया ऊपर अमर हो जाओ मरो नहीं अमर हो जाओ आठवां आठवां क्या है लास्ट विक्ट्री विजय कृष्ण को सारथी बनाकर चलोगे जैसे अर्जुन ने तो विजय गारंटीड है यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा तीर मती रो इस प्रकार केवल गीता का कवर देखकर ही अगर इतना ज्ञान हम ले सकते हैं तो लेक्चर का उद्देश्य क्या है गीता खोलने की क्या जरूरत है नहीं कई मूतिक न्याय अगर कवर से ही इतना ज्ञान मिल जाए तो कवर टू कवर आप पढ़ोगे तो कितना ज्ञान में माला माल हो जाओगे तो ज्ञान में मालामाल होना है कि नहीं इसलिए इस के भक्तगण पूरे दिसंबर के महीने में करोड़ों की संख्या में यह गीता वितरित करते हैं प्रभुपाद जी लंदन पहुंचे तो वहां पर उनके सामने एक रिपोर्टर ने पूछा स्वामी जी लंदन क्यों आए हो प्रभुपाद ने कहा अरे 300 साल अंग्रेजों ने भारत से हीरा मोती सोना चांदी लूट लूट के लेके गए लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लूटना भूल गए इसका होम डिलीवरी करने आए हैं तो इसलिए शिला प्रभुपाद जी ये भगवत भगवद्गीता विश्व के 80 भाषाओं में इस कौन वितरित करता है और हर वर्ष इस कौन सवा करोड़ गीता वितरित करता है तो इसलिए भारत में जितने लोग जन्म लिए हैं उनका ये बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है कि ये गीता क्या है इसको समझें तो पीछे हमारे गीता का स्टॉल लगा हुआ है गीता का तुला भार भी लगा हुआ है गीता ज्ञान यज्ञ में जो भाग लेना चाहे और इस दिसंबर बुक मैराथन में गीता को समझने की अपनी यात्रा आरंभ करना आप उचित समझो तो अवश्य अपने इस ज्ञान के मार्ग को आरंभ कीजिए और मैं उपस्थित जितने भी वाराणसी और प्रयाग है ना दोनों तीर्थ स्थल वाराणसी और प्रयाग और अभी अयोध्या तो ऐसे तीर्थ स्थल में आप लोग सभी पढ़ रहे हो सेवा कर रहे हो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों का यहाँ पर स्वागत कर कुछ कथा श्रवण और कथा के विषय में वर्णन करने का अवसर मिला तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया मैं भी एक महीने से बहुत घूम ही रहा था कथा का ज़्यादा मौका नहीं मिला था मैं भी थोड़ा मौके की तलाश में था तो ये वो वो दिन था कि जब हम भी कथा के मूड में थे और सामने से प्रस्ताव भी आ गया तो हमने कहा चलो भाई कथा कर ही देते हैं और आज पूरे दिन भर हजारों लोग आएंगे और गोवर्धन इको विलेज के डे विजिटर टीम से निवेदन है कि यहाँ से लेकर वृंदावन फॉरेस्ट तक कोने कोने में भक्त लोग होने चाहिए जो लोगों को ज्ञान दे कीर्तन दे कथा दे सब कुछ दे क्योंकि ये अस्पताल की तरह है अस्पताल में इतने लोग आ रहे हैं और दवा ना मिले तो फिर सब आकर यहाँ यहाँ देखकर फोटो वोटो लेकर प्रसाद पाकर निकल जाएंगे हरेक व्यक्ति जो यहां प्रवेश करे उनको ये ज्ञान पिला के ही छोड़ना है नाम के विषय में ज्ञान दे के ही छोड़ना है तो इसलिए डे विजिटर टीम से मेरा यही निवेदन है कि किसी को ना छोड़ें जो भी आए सबको ये गीता का ज्ञान भागवत का ज्ञान हरिनाम की महिमा का ज्ञान दे के ही उनके मन में शंका पैदा करके ही छोड़ें क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा की शुरुआत शंका से होती है शंका कैसे जब बड़े आत्मविश्वास के साथ आप गीता के बारे में बताओगे तो उनको अपने वर्तमान जीवन शैली पर शंका होने लगी अरे हम जो कर रहे हैं वो गलत है क्या है ना आप बोलो हम चाय भी नहीं पीते कॉफी भी नहीं पीते, पीते मांसाहार भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं और वो आदमी सोता लेकिन खुश लग रहा है ये इतना सब नहीं करते हुए खुश है तो उसके मन में शंका होने लगती है तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या है? ये शंका पैदा करना ही हमारा मेन बिजनेस है और आपको पता है शंका पैदा करना इजी है श्रद्धा पैदा करना ज्यादा कठिन है तो इसलिए कभी भी मौका मत छोड़ना शंका पैदा करने आते जाते कुछ एक आध दो स्टेटमेंट मार के निकल जाना इसका दिमाग घूमता रहेगा ढूंढते ढूंढते वो दूसरे किसी भक्त सेंटर पे पहुंचकर फिर वो श्रद्धा पालेगा लेकिन शंका पैदा करने का काम जरूर छोड़ देना समझ रहे कि नहीं फॉर्मूला तो इसलिए हजारों लोग यहां पर आ रहे हैं दर्शनार्थी डे विजिटर टीम से मेरा बार बार आग्रह है कि हरेक व्यक्ति को यहां पर कथा कीर्तन फिलोसफी ज्ञान साधना इसका मौका अवश्य मिलना चाहिए ये आपका कर्तव्य है डी विजिटर टीम का व्यक्ति वो पिलर के पीछे खड़ा होके देख रहा है होगा कि नहीं हाँ कंटिन्यूअस कंटिन्यूस मंदिर में कंटिन्यूअस कथा कीर्तन चलता रहना चाहिए लोगों को ज्ञान मिलना चाहिए और अपने खड़े हुए हैं हरि माधव प्रभु हाथ उठाइए हाँ आप सबको गीता देने के लिए रेडी हैं गीता का ज्ञान फ्री है लेकिन गीता 120 का है <laughs> ज्ञान अभी मैंने आपको क्या दिया कुछ चार्ज किया क्या ज्ञान फ्री है लेकिन गीता अपनी 120. तो आप बोलो नहीं मेरे पास पहले ही है तो गिफ्ट के लिए लेके जाओ दो चार लोगों को गिफ्ट दे दीजिए वितरित कर दीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा